Assalamu alaikum. I am Hamad Tufail and on the behalf of Codenix, I welcome you all on this learning platform. आज हम बात करेंगे अलजबरा के बारे में. अलजबरा क्या है? अलजबरा मैथमेटिक्स की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है और इसी के साथ साथ डेटा साइंस में अलजबरा एज अ फंडामेंटल कंपोनेंट वाइटल रोल प्ले करता है. अलजबरा को समझने के लिए हम आपके लिए लेके आए हैं 3 घंटे और 45 मिनट की वीडियो लेक्चर, जिसमें आप लोग बेसिक से एडवांस लेवल तक अलजबरा जो है आसानी से सीख सकते हैं. विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम स्टार्ट करते हैं अलजबरा. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अलजबरा में. हम देखेंगे अलजबरा क्या होता है और अलजबरा में कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हैं. अलजबरा को समझने से पहले हमें देखना पड़ेगा अरिथमेटिक. अरिथमेटिक को अगर हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं तो अरिथमेटिक में हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं उनमें सबसे पहले है कि नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं. लेट्स सपोज 3 है प्लस 5 अगर हम करते हैं तो हमारे पास इसको हम जब ऐड करते हैं, ऐड करने का मकसद ये है कि जब हमारे पास 3 और 5 दो नंबर्स हैं और इनके दरमियान में एक ऑपरेशन जो है हमारे पास एडिशन का ऑपरेशन है. जब हम एडिशन के ऑपरेशन की वजह से इन दोनों जो नंबर्स हैं, इन दोनों नंबर्स का रिलेशन एडिशन वाला प्रोसेस करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो आंसर आता है दैट इज़ इक्वल टू 8. इसी तरीके से अगर हम 5 + 2 करते हैं तो हमारे पास इन दोनों नंबर्स को प्लस का ऑपरेशन की वजह से यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाता है 7. तो हमारे पास कुछ ऐसे होता है कि जब हमारे पास 3 में + 5 करने के लिए हमने इस ऑपरेशन को देखा और इन दोनों वैल्यूज़ को देखा, जब तक हमने इनको कैलकुलेट नहीं किया, हमारे पास आंसर नहीं आया था, तब तक यहाँ पे जो वैल्यू थी वो अननोन थी. अरिथमेटिक में ये हमारे पास जो आंसर है वो आ गया है, इसको आप डायरेक्ट नंबर की फॉर्म में लिख रहे हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पे जब वैल्यू फाइंड नहीं की थी तो ये अननोन वैल्यू मौजूद थी यहाँ पे, अननोन वैल्यू. इस अननोन वैल्यू को जो कि यहाँ पे मौजूद थी, हमारा कैलकुलेशन करने से पहले पहले, हमारा कैलकुलेशन का प्रोसीजर करने से पहले पहले, तो उस जो अननोन वैल्यू है उसको हम किसी अल्फाबेट से अगर हम डिनोट कर देते हैं तो ये अननोन वैल्यू की जो रिप्रेजेंटेशन है वो हमारे पास अल्फाबेट्स की फॉर्म में आ रही है. इन अननोन वैल्यूज़ की वजह से ये अरिथमेटिक वाला जो हमारा प्रोसीजर है या अरिथमेटिक वाला ये जो प्रोसेस है उसको हम इस अननोन टर्म की वजह से अलजबरा में स्टडी करते हैं और ये अननोन वैल्यू अलजबरा में वेरिएबल कहलाती है. तो अरिथमेटिक में 3 + 5 ये नंबर्स जो हैं उनकी जगह पे ये जो वैल्यू वाली है डायरेक्ट लिख रहे हैं, जबकि अलजबरा जो है इसमें 3 + 5 जब करते हैं इसको हम x के इक्वल रखते हैं क्योंकि ये हमारे पास अननोन वैल्यू है. जैसे ही ये वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो ये वैल्यू फाइंड आउट करने का जो प्रोसीजर है उसको हम अलजबरा में बेसिकली डिस्कस करते हैं. और जब हम 5 में 3 को प्लस करते हैं तो 8 आता है. तो यहाँ पे हमने क्या किया है, जो हमने अननोन वैल्यू को या अननोन वेरिएबल को x से डिनोट किया था, हमने उस अननोन सिंबल जो कि x से था उसकी हमने वैल्यू फाइंड की है. तो ये प्रोसेस जो है अलजबरा में डिस्कस किया जाता है. अब हम डेफिनेशन देखते हैं कि अलजबरा की डेफिनेशन क्या है. अलजबरा इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स द सिंबल्स एंड रूल्स फॉर मैनिपुलेटिंग दी सिंबल. अब इसमें सिंबल्स क्या हैं, जो आपके पास एक्स वाई जी यू वी डब्ल्यू टी एल एम ओ पी क्यू, कोई भी ये जो अल्फाबेट्स हैं फ्रॉम ए टू जी, कोई भी आपके पास अल्फाबेट अगर आ जाएगा तो इन अल्फाबेट्स को हम बोलते हैं सिंबल्स. ये सारे सिंबल्स कहलाते हैं और इनको मैनिपुलेट करने मतलब इनकी वैल्यूज को चेंज करने का जो प्रोसीजर है उसको अलजबरा जो है इसमें स्टडी किया जाता है. अब ये सिंबल्स बेसिकली सारे के सारे अल्फाबेट्स होते हैं और इनकी एग्जांपल्स हैं यहाँ पे 3 + x = 2, 5 + y = 7, 5 + 3 = y. तो ये सारी इनकी एग्जांपल्स हैं. नेक्स्ट हम देखते हैं की टर्म्स कौन सी हैं. की टर्म्स ऑफ अलजबरा कौन कौन सी हैं. हमारे पास जो की टर्म्स हैं उनमें सबसे पहले आती है वेरिएबल, कांस्टेंट, कोफिशिएंट
एक्सपोनेंट ऑपरेटर अलजेब्रिक टर्म हम इनको वन बाय वन स्टडी करते हैं। सबसे पहले आती है वेरिएबल। वेरिएबल जो वर्ड है वो निकला है वेरी से। वेरी का मतलब है टू चेंज या तब्दील होने वाला। वो तमाम वैल्यूज जो के चेंज हो सकती हैं उनको हम अल्फाबेट से डिनोट करते हैं। तो अल्फाबेट्स को हम सिंबल्स कंसीडर करते हैं। अ वेरिएबल इज अ सिंबल दैट वी असाइन टू टू एन अननोन वैल्यू and that can be changed और ये सिंबल जो है usually alphabets From A, B, C up to Z. इनकी examples हैं आपके पास। For example, फोर प्लस एक्स इक्वल्स थ्री। तो यहां पे x is a variable. फाइव प्लस वाई इक्वल्स नाइन। इसमें y इज अ वेरिएबल। इसके बाद है कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट वो वैल्यू जो चेंज ना हो सकती हो, जो कि फिक्स्ड वैल्यूज होती हैं। कॉन्स्टेंट को हम फिक्स्ड वैल्यूज भी बोल सकते हैं। सो कॉन्स्टेंट की डेफिनेशन है अ वैल्यू दैट डज नॉट चेंज इज नोन एज कॉन्स्टेंट। सो इनकी एग्जांपल्स हैं में 3x प्लस 4 इक्वल्स 0, 7x प्लस 9 इक्वल्स 0। तो इन दोनों एग्जांपल्स में 4 और 9 जो हैं कांस्टेंट वैल्यूज हैं। इसके बाद आता है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट अगर हम इसकी एग्जांपल देखें पहले, तो जैसे कि 3x प्लस 4 है, इसमें आपके पास ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है। यहां पे वो वैल्यू जो के वेरिएबल से पहले प्लेस की हुई होती है और वो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होती है, उसको बोलते हैं कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट की जो डेफिनेशन है वो है द कोफिशिएंट ऑफ अ वेरिएबल वेरिएबल इज द नंबर दैट इज प्लेस्ड in front of
वेरिएबल, इसका मतलब ये है कि वेरिएबल से पहले जो लिखी हुई होती है वैल्यू और नंबर, उस नंबर को कोफिशेंट बोलते हैं और वो मल्टीप्लाई हो रहा होता है वेरिएबल के साथ। इनकी एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल 3x+4, इधर 3 जो है कोफिशेंट है, सेवन एक्स प्लस नाइन में सेवन एक कोफिशेंट है। उसके बाद आता है हमारे पास ऑपरेटर, ऑपरेटर जो होते हैं बेसिकली वो ऑपरेशंस जो के आपके पास ये नंबर्स जो हैं इनमें, 3x+9 में एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे ये जो ऑपरेशन है जिससे ऑपरेशन को डिनोट किया जा रहा है उसको ऑपरेटर बोलते हैं। इसमें 3x+9 में प्लस का ऑपरेटर है, 5x-3 में माइनस का ऑपरेटर है, तो प्लस का और ये माइनस का ये ऑपरेटर्स हैं। ऑपरेटर्स ऑपरेटर्स आर द सिंबल्स दैट रिप्रेजेंट your operations like addition, subtraction, multiplication and division. और जो ऑपरेटर्स के लिए सिंबल्स यूज होते हैं उनमें पॉजिटिव, नेगेटिव, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के सिंबल्स हैं। इसके बाद एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट की एग्जांपल है आपके पास 3x² + 2, इसमें एक्स के ऊपर ये जो पावर है इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं, तो एक्सपोनेंट को हम पावर्स भी बोलते हैं। एक्सपोनेंट जो होता है ये आपके पास इस चीज़ को डिनोट करता है कि आपका ये जो नंबर है वेरिएबल है या कोई भी बेस नंबर है वो अपने साथ कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई होगा। तो एक्सपोनेंट की डेफिनेशन है, एक्सपोनेंट टेल अस द नंबर ऑफ टाइम्स द बेस नंबर is multiplied by itself। यहाँ पे 3x³ + 9, 4x² - x^1 plus 3 = 0, इसमें x की पावर 3 में 3 जो है वो एक्सपोनेंट है। इधर 2 जो है x² में और 1 × x^1, ये दोनों एक्सपोनेंट्स हैं। अब हम देखेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक स्टेटमेंट या फ्रेज की टाइप होती है जिसमें वेरिएबल भी होता है कांस्टेंट भी होता है कोफिशिएंट भी होता है ऑपरेटर्स भी होते हैं एक्सपोनेंट्स भी होते हैं। तो
जब आपके पास ये सारी चीज़ें हों या इनमें से कुछ चीज़ें भी मौजूद हों किसी स्टेटमेंट में, मैथमेटिकल स्टेटमेंट में, तो उस स्टेटमेंट को या उस फ्रेज को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, 4x+9 3x 4+3x 5y 5x² + 2। तो यहाँ पे अगर इसमें देखें तो ये कांस्टेंट है, वेरिएबल है, कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट वेरिएबल कांस्टेंट वेरिएबल कोफिशिएंट ऑपरेटर कोफिशिएंट एंड वेरिएबल कोफिशिएंट वेरिएबल एक्सपोनेंट ऑपरेटर एंड कांस्टेंट। तो ये सारे के सारे जो हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की जो डेफिनेशन है वो क्या है जी, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ मैथमेटिकल फ्रेज, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ मैथमेटिकल फ्रेज दैट कैन कंसिस्ट ऑफ नंबर्स वेरिएबल एंड कोफिशिएंट्स एंड मैथमेटिकल ऑपरेटर्स लाइक एडिशन, ऑपरेटर्स जो हैं वो एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। उनकी एग्जांपल्स ये आपके पास ऊपर मौजूद है कि वो आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किस तरीके से हो सकता है। अलजेब्रिक इक्वेशन आती है इसके बाद, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपके पास एक एक्सप्रेशन होता है, लेकिन अलजेब्रिक इक्वेशन में आपके पास दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं जो कि एक दूसरे के इक्वल सेट किए होते हैं। फॉर एग्जांपल, 3x+9=14। तो यहाँ पे ये जो है ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये अलहदा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो इनको इक्वालिटी के साथ लिखा होता है जो कि डिनोट करता है कि दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो हैं ये आपके इक्वल हैं। सो अलजेब्रिक इक्वेशन जो होती है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट एन अलजेब्रिक इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट in which two algebraic expressions are set equal to each other. इसमें कांस्टेंट भी हो सकते हैं, वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, एक्सपोनेंट भी हो सकते हैं और इनमें ऑपरेटर्स भी हो सकते हैं। बेसिकली अलजेब्रिक इक्वेशन जो होती है इसमें आपके पास दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं, इनको इक्वल सेट किया होता है। अब अगर आप देखें यहाँ पे तो 3x+9=14 है, इसको हम ये जो वेरिएबल है इसको एक साइड पर रख के हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 14-9 करें और 3x = 14-9=5,
और x इक्वल्स 5/3, तो इससे हमें x की वैल्यू मिल जाती है। तो बेसिकली अलजबरिक इक्वेशन जो होती है, इसका मेन गोल जो होता है, जो वैल्यूज आपके पास वेरिएबल्स की होती हैं वो फाइंड आउट करना है। तो मेन गोल क्या है, टू फाइंड आउट द अननोन वैल्यूज। इसके बाद आती है अलजबरिक टर्म्स क्या होती हैं। अगर आप अलजबरिक एक्सप्रेशन देखें तो अलजबरिक एक्सप्रेशन फॉर एग्जांपल हमारे पास है 3x प्लस 4, 5x प्लस 9, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। आपके पास इसमें ये ऑपरेटर्स हैं जो के वैल्यूज़ जो हैं इनको सेपरेट कर रहे हैं, जिसमें हमें पता लगता है कि एक वैल्यू ये है, एक ये वैल्यू है, एक ये वैल्यू है, एक ये वैल्यू है, एक ये वैल्यू है, एक ये और एक ये। बेसिकली ये ऑपरेटर्स जो हैं आपकी वैल्यूज़ को सेपरेट कर रहे हैं। तो ये जो सेपरेशन ऑफ वैल्यूज़ होती है, तो हर एक वैल्यू को इंडिविजुअली हम अलजबरिक टर्म कंसीडर करते हैं। अलजबरिक एक्सप्रेशन में जो हर इंडिविजुअल वैल्यू जो के ऑपरेटर से सेपरेट की जाती है, उनको हम अलजबरिक टर्म्स कंसीडर करते हैं। तो अलजबरिक टर्म की डेफिनेशन है, एन अलजबरिक टर्म इज अ सिंगल पार्ट ऑफ एन अलजबरिक एक्सप्रेशन इज अ सिंगल पार्ट ऑफ अलजबरिक एक्सप्रेशन consisting of a product of number number and variables combined using arithmetic operators, arithmetic operations जो हैं उनमें जो operators use होते हैं उनकी वजह से जो values जो हैं separate की हुई होती हैं, जो कि आपका variable और coefficient का product भी हो सकता है और constant भी हो सकते हैं। तो वो तमाम के तमाम जो values हैं उनको algebra में as a single part algebraic terms consider किया जाता है। इस लेक्चर में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ टर्म्स। ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल्स टाइप्स ऑफ टर्म्स जो हैं वो दो तरह की हैं। एक है हमारे पास लाइक टर्म्स, एक है अनलाइक टर्म्स। पहले हम देखेंगे लाइक टर्म क्या होती है। लाइक टर्म्स वो तमाम टर्म्स होती हैं जिनमें वेरिएबल और पावर्स ऑफ वेरिएबल्स अगर वेरिएबल्स और पावर्स ऑफ वेरिएबल्स दोनों सेम होंगे टर्म्स में, तो वो टर्म्स हमारी लाइक टर्म्स कहलाएंगी। तो इनकी जो लाइक टर्म्स की डेफिनेशन है वो लाइक टर्म्स आर द टर्म्स that have the same variable raised to the powers same powers।
तो उनको हम जो है लाइक टर्म्स बोलते हैं, लेकिन उनका अगर कोफिशियंट डिफरेंट होगा कोई इशू नहीं है। तो दे हैव डिफरेंट कोफिशियंट्स, फॉर एग्जाम्पल इसमें जो लाइक टर्म्स हैं इन चार पांच एग्जाम्पल्स में, उनमें जो लाइक टर्म्स आती हैं वो है 5x², 3x² एंड 9x². इसमें वेरिएबल तीनों का सेम है, x पावर्स भी तीनों की सेम है, सो ये हमारी लाइक टर्म्स हैं। तो इसके अलावा ये जो हमारे पास दो हैं 9x² वाई 5x² वाई स्क्वायर, ये दोनों हमारी अनलाइक टर्म्स हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि अनलाइक टर्म की जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरीके हो सकती है कि उनके वेरिएबल्स और उनकी जो पावर्स हैं वो डिफरेंट हों। अनलाइक टर्म्स क्या हैं? अनलाइक टर्म्स आर टर्म्स that have different variables or the same variables raised to different powers। अनलाइक टर्म्स की एग्जाम्पल्स जो हैं नाइन एक्स स्क्वायर वाई 7x³ वाई 7xy², तो ये सारी जो हैं आपके पास अनलाइक टर्म की एग्जाम्पल्स हैं। अब हम देखेंगे कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। पॉलिनोमियल्स आपके अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की टाइप ही होती है। क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में भी आपके पास वेरिएबल कांस्टेंट कोफिशिएंट और इनके साथ साथ एक्सपोनेंट्स और इन तमाम चीजों को डिफरेंट और जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के साथ इनको कंबाइन किया होता है वेरिएबल कांस्टेंट कोफिशिएंट और एक्सपोनेंट्स को, सो इनको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ही बोलते हैं। तो पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच इज कंपोज्ड ऑफ वेरिएबल कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट्स दैट आर कंबाइंड विद डिफरेंट अरिथमेटिक ऑपरेशंस। Arithmetic operators इनकी डिफरेंट टाइप्स हैं। अब आपके पास अगर मैं देखूं तो यहां पे एग्जांपल
अब इनकी एग्जांपल्स हैं पॉलिनोमियल्स की, फोर एक्स फाइव एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस नाइन, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वन, टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फोर, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। अब देखें तो यहाँ पे एक टर्म भी आ रही है, तीन टर्म्स भी आ रही हैं, दो टर्म्स भी आ रही हैं, तीन टर्म्स भी आ रही हैं, तो पॉलिनोमियल्स में डिफरेंट टर्म्स आ सकती हैं। पॉलिनोमियल को अगर हम देखें तो पॉली मीन्स मोर देन वन, नोमियल को अगर हम अलहदा करें तो इसका मतलब होता है पार्ट्स। इसका मतलब है आपके पास पॉलिनोमियल में एक से ज्यादा टर्म्स भी आ सकती हैं, तो यहां पे पॉलिनोमियल्स का मतलब मोर देन वन टर्म्स। तो हमारे पास फॉर एग्जांपल जैसा कि इसमें फोर एक्स है, इसका मतलब ये वन टर्म है, और अगर आपके पास वन टर्म वाला पॉलिनोमियल हो उसको पढ़ते हैं मोनोमियल। मोनो मीन्स वन, तो वन टर्म वाली जो पॉलिनोमियल होगी उसको मोनोमियल बोलेंगे। अगर आपके पास टू टर्म्स हो जैसा कि टू एक्स प्लस थ्री, अब ये टू टर्म्स हैं, इनको पढ़ते हैं बाइनोमियल। और अगर थ्री टर्म्स हों जैसे थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस नाइन है, थ्री टर्म्स हैं ये, तो इसको पढ़ते हैं ट्राइनोमियल, ट्राई फॉर थ्री, बाय फॉर टू, मोनो फॉर वन। तो ये वन टू और थ्री पॉलिनोमियल्स को ऐसे डिनोट करते हैं, और बाकी मोर देन अगर थ्री टर्म्स होंगी हम उनको मोन पॉलिनोमियल ही पढ़ेंगे। अब हम देखेंगे कि डिग्री ऑफ इक्वेशन क्या होता है। डिग्री जो होती है वो अगर हम देखें तो डिग्री का वर्ड जो है, डिग्री का मतलब होता है दर्जा बंदी, ओहदा, मेयार। सो आपके पास इक्वेशन की डिग्री क्या होती है, तो इक्वेशन की डिग्री फॉर एग्जांपल यहां पे फोर एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स माइनस वन इक्वल जीरो हो, तो इस इक्वेशन में आपके पास जो वेरिएबल है उस वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी उसको हम डिग्री ऑफ इक्वेशन पढ़ते हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल हमारे पास एक्स है और एक्स की हाईएस्ट पावर टू है, तो डिग्री ऑफ इक्वेशन जो है वो टू कहलाएगी। तो डिग्री ऑफ इक्वेशन की जो डेफिनेशन है वो है, डिग्री ऑफ इक्वेशन एल्जेब्रिक इक्वेशन रेफर्स टू द हाईएस्ट पावर पावर और एक्सपोनेंट भी जिसको हम बोलते हैं ऑफ द वेरिएबल तो इसकी एग्जांपल है आपके पास ये जो एक लिखी है तो टू एक्स प्लस वन अब इसकी हाईएस्ट डिग्री जो है वो वन है वन डिग्री इसको हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं टू एक्स स्क्वेयर प्लस थ्री एक्स प्लस टू इसमें हाईएस्ट पावर जो है वो टू है इसको आप टू डिग्री या डिग्री टू बोलते हैं इसको आप क्योंकि टू पावर है इसलिए हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोलते हैं इसके बाद फोर एक्स की पावर थ्री प्लस
नाइन एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन, इसमें हाईएस्ट पावर जो है वेरिएबल की थ्री है, इसको डिग्री थ्री बोलते हैं। और इसको हम बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कार्टेशियन प्लेन को या कोऑर्डिनेट प्लेन को, इसको कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोलते हैं। इसको 2D प्लेन भी बोलते हैं, 2D मीन्स टू डायमेंशनल। कार्टेशियन प्लेन को ड्रा हम कैसे करते हैं? फॉर एग्जांपल जैसे हमारी नंबर लाइन होती है जिसमें यहाँ पे ज़ीरो होता है और इस साइड पे नेगेटिव इन्फिनिटी और इधर पॉजिटिव इन्फिनिटी, इसी तरीके से हम नंबर लाइन की तरह एक हॉरिजॉन्टल लाइन जिसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं ड्रॉ करते हैं, एक वर्टिकल लाइन जिसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं वो ड्रॉ करते हैं। वाई एक्सिस और एक्सिस जो होते हैं जहाँ पे मीट करते हैं उस पॉइंट को ओरिजिन बोलते हैं। इस पॉइंट पे जो वैल्यू होती है वो हमेशा ज़ीरो होती है। एक्स एक्सिस पे राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव वैल्यूज। एक्स एक्सिस पे ऊपर की जानेब पॉजिटिव वैल्यूज, नीचे को नेगेटिव वैल्यूज। इस तरीके से हम लिख लेते हैं। लिखने के बाद अब अगर मैं यहां पे देखूं सिर्फ और सिर्फ इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर वाले पोर्शन में, तो यहां पे एक्स की वैल्यू जो है सारी की सारी पॉजिटिव आ रही है और ऊपर को y की वैल्यूज हैं वो भी सारी पॉजिटिव आ रही हैं। अब चूंकि यहाँ पे ग्राफ जो है वो बनेगा और ग्राफ में आपके पास हमेशा एक एक्सिस से पॉइंट लेते हैं और एक आपका y एक्सिस से पॉइंट लेते हैं, तो दोनों पॉइंट जहाँ पे मीट करते हैं वहाँ पे हमारा एक पॉइंट बनता है। तो उस पॉइंट को बनाने के लिए x और y दोनों की वैल्यू ज़रूरी होती हैं। सो x की वैल्यूज इस पॉइंट में पॉजिटिव और इस पॉइंट में नेगेटिव। x की और y की जो पेयर बनती है उसको हम कोऑर्डिनेट पेयर बोलते हैं। x और y का एक पेयर जिस पे दोनों पॉइंट्स x और y से लेके आपके पास एक पॉइंट बनता है, इस पेयर को हम कोऑर्डिनेट पेयर बोलते हैं। अब इसमें x और y दोनों की वैल्यू पॉजिटिव है। अगर यहां से ये वाला y और इधर x को देखें तो लिखनी हमने पहले x की वैल्यू है फिर हमने y की वैल्यू लिखनी है। यहाँ पे x जो है वो सारा नेगेटिव में है तो नेगेटिव x की वैल्यू आएगी और ऊपर को हम देखेंगे तो पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी y की। सो यहाँ पे आपके पास नेगेटिव x और नेगेटिव y वाली वैल्यूज आएंगी। अगर इससे हम नीचे इस बॉक्स में देखें तो यहाँ पे सारी नेगेटिव वैल्यूज x की, सारी नेगेटिव y की हैं, इनको हम नेगेटिव x नेगेटिव y बोलते हैं। और इस पे हम देखें इस साइड पे तो यहाँ पे x एक्सिस में तमाम वैल्यूज पॉजिटिव, y की तमाम वैल्यूज नेगेटिव आ रही हैं। यहाँ पे कोऑर्डिनेट पेयर पॉजिटिव x और नेगेटिव y का बनेगा। x एक्सिस और y एक्सिस की जो वैल्यूज के बाद हमने कोऑर्डिनेट पेयर बना लिए हैं जिसमें फर्स्ट में पॉजिटिव x और पॉजिटिव y, नेगेटिव x पॉजिटिव y, नेगेटिव x नेगेटिव y, पॉजिटिव x एंड नेगेटिव y है। इसमें जहां पे पॉजिटिव x और पॉजिटिव y का कोऑर्डिनेट पेयर है इसको आप फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, क्वाड्रेंट वन, इसको क्वाड्रेंट टू बोलते हैं, ये आपका क्वाड्रेंट थ्री है, ये आपका क्वाड्रेंट फोर है, ये आपके फोर क्वाड्रेंट्स हैं।
जब भी आपने कार्टेशियन प्लेन में कोई भी आपने टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को आपने रिप्रेजेंट करना है, आपने उसका कोऑर्डिनेट पेयर जो है वो चेक करना है। अगर आपकी एक्स और वाई की दोनों वैल्यूज पॉजिटिव होंगी तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, मतलब यहाँ से एक्स की वैल्यूज यहाँ से वाई की वैल्यूज लेंगे तो वो सारी ग्राफ के जो पॉइंट्स होंगे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। अगर आपके पास नेगेटिव एक्स और पॉजिटिव वाई की वैल्यूज हैं तो कोऑर्डिनेट पेयर जो है वो आपका सेकंड क्वाड्रेंट में लाए करेगा और उसकी वो वैल्यूज जो हैं वो वाई और एक्स के इस सेकंड वाले क्वाड्रेंट में लाए करेंगे। अगर दोनों वैल्यूज नेगेटिव हैं तो वो क्वाड्रेंट थ्री में लाए करेगा, और अगर आपके पास एक्स की वैल्यू पॉजिटिव और वाई की वैल्यू नेगेटिव है तो वो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में लाए करेगा। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन जो है हम यूज करते हैं टू डायमेंशनल ग्राफ बनाने के लिए। इससे हम नेक्स्ट लेक्चर में ग्राफ बनाएंगे तो इनको आप अच्छे तरीके से रिवाइज कर लें। इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि हम किस तरीके से लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है जो कि है हमारे पास 7x प्लस 9 इक्वल्स 23। हम इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं और ग्राफ कैसे बनाते हैं वो देखेंगे। उसके लिए लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का एक मेथड है कि अगर आपके पास एक वेरिएबल है और उस वेरिएबल के साथ कोई कोफिशेंट भी है और उसके साथ कोई कांस्टेंट ऐड हो रहा है जो कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और दूसरी साइड पे दूसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इक्वेशन में, तो आप क्या करते हैं जो लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल है उसको एक साइड पे रख के बाकी तमाम की जो टर्म्स है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की उनको दूसरी जो इक्वेशन की साइड है उस साइड पर ट्रांसफ़र कर देते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, हम अनडू का प्रोसेस करते हैं, मतलब यहाँ पर अगर प्लस हुआ है तो हम इस एक्शन को दोनों साइडों पे परफॉर्म करेंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें अगर प्लस किया हुआ है 9 तो हम यहाँ पे भी माइनस 9 करते हैं और यहाँ पे भी माइनस करते हैं। यहाँ पे माइनस करने के बाद हमारे पास ये प्लस माइनस माइनस ये कैंसल आउट, 7x एज इट इज आ जाएगा और 23 माइनस 9 इसके साथ प्लस का साइन है, प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का लगेगा, प्लस का हमारे पास आ जाता है प्लस का 14। तो यहाँ पे हमारे पास 14 आ गया। अब इसको 7x इक्वल पॉजिटिव 14 आ गया। अब इसके साथ 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, जो चीज़ एक साइड पे मल्टीप्लाई हो रही है तो इसका अनडू क्या होगा, डिवाइड। यहाँ पे एक चीज़ देखने है कि अगर एक चीज़ एडिशन में आ रही है मतलब ऐड हो रही है तो एडिशन का अनडू प्रोसीजर जो है वो है सब्ट्रैक्शन और सब्ट्रैक्शन का अंडू एडिशन है। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन का अंडू जो है वो है डिवीजन और डिवीजन का अंडू जो है वो मल्टीप्लिकेशन है। अब यहां पे ये 7 मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसका अंडू क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे इधर भी और इधर भी। ये 7 इसके साथ कट जाएगा, इधर आ जाएगा एक्स और 7 2s are 14। यहाँ पे x की वैल्यू आ गई पॉजिटिव 2। अब इस पॉजिटिव 2 को हम किस तरीके से ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे, उसके लिए हमें चाहिए x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। अब हमारे पास x एक्सिस आएगा और y एक्सिस आएगा 1 2 3 1 2 3, -1 -2 -3, -1 -2 and -3। अब ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस। अब यहां पे x की वैल्यू पॉजिटिव 2 है। अब आपने x की वैल्यू पॉजिटिव 2 को रिप्रेजेंट करना है तो आप यहां पे देखेंगे कि जहां पे x आ रहा है ये x एक्सिस है, इसमें पॉजिटिव 2 है तो पॉजिटिव 2 की वैल्यू आ रही है ये वाली। अब पॉजिटिव 2 की वैल्यू x की वैल्यू है, y की वैल्यू नहीं है। जब जहां पे आपके पास x की वैल्यू y की वैल्यू ना हो तो इट मीन्स x और y का एक पेयर होता है, x की वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव 2 आ जाएगा और y की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगी। जो वैल्यू आपके पास मौजूद ना हो इट मींस कि वहां पे कोऑर्डिनेट पेयर में उस जो पेयर में वो पॉइंट है एक्स या वाई का वो वहां पे उसकी वैल्यू जो होगी 0 होगी। अब यहां पे 2 आ गया और वाई की वैल्यू 0 आ गई। वाई आपके पास 0 होता है इस पॉइंट पे आके जहां पे वाई भी 0 है और एक्स भी 0 है,
तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे इससे, और ये है आपके पास टू एंड जीरो, वाई की वैल्यू जीरो आ गई है। वाई की वैल्यू जीरो कहां पे होती है? आपके पास वर्टिकल लाइन में। अगर आप इसको देखें तो आपके पास वाई की वैल्यूज ऐसे हॉरिजॉन्टली आ रही हैं, तो वर्टिकली वो है जीरो आ गया है। सो आप इस तरीके से इसका ग्राफ बना देंगे। जब आपके पास सिंगल पॉइंट हो तो आप उसका ग्राफ जो है उसकी जो वाई एक्सिस है जहां पे वैल्यू जीरो है उसके पैरेलल ड्रॉ करके लाइन लगाते हैं, और जब आपके पास एक्स जीरो हो जाएगा, लेट्स सपोज यहां पे आपके पास एक्स जीरो और वाई की वैल्यू टू आ जाती है, तो आप इसका कोऑर्डिनेट पेयर का कैसे आप ग्राफ बनाएंगे? ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहां पे है वन टू एंड थ्री, वन टू एंड थ्री, नेगेटिव वन नेगेटिव टू एंड नेगेटिव थ्री, नेगेटिव वन नेगेटिव टू एंड नेगेटिव थ्री। यहां पे हमारा पेयर क्या बनेगा? जीरो टू का। जीरो है आपके पास एक्स और वाई है आपके पास टू, यहां पे आपके पास वाई टू है और एक्स जीरो करना है, तो एक्स के जीरो करने के लिए आप इसका ग्राफ इस तरीके से बनाएंगे। ये आपके पास आ गया जीरो एंड पॉजिटिव टू। ये है वो मेथड जिनके जरिए से आप लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन में आप उनका ग्राफ जो है वो किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। अब हम ये देखेंगे कि स्लोप इंटरसेप्ट क्या होता है। स्लोप इंटरसेप्ट को देखने के लिए हम एक लीनियर इक्वेशन को जो है कंसीडर करते हैं, वाई इज इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री। अब ये एक हमारे पास इक्वेशन है जो कि लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल जो है वो वन है, हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल एक्स इज वन। अब ये इधर एक्स की पावर जो वन है इसकी वजह से ये हमारी लीनियर इक्वेशन है। तो लीनियर इक्वेशन है इट मीन्स इसका ग्राफ जो होगा वो एक लाइन होगा, लीनियर ग्राफ होगा या लाइन ग्राफ होगा। ग्राफ की वैल्यूज देखने के लिए या ग्राफ को हम क्या उसे कहते हैं, किस तरीके से ड्रा करेंगे, उसके लिए हमें वैल्यूज पुट करके देखना पड़ेगी। अब अगर मैं इसमें देखूं तो वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस थ्री में एक्स की वैल्यू अगर मैं जीरो पुट करूं तो वाई इक्वल्स टू इंटू जीरो प्लस थ्री, वाई इक्वल्स टू जीरो जार जीरो प्लस थ्री, इट मीन्स वाई की वैल्यू आ गई थ्री। मेरे पास ये कोऑर्डिनेट पेयर जो बन गया यहाँ पे दैट इज इक्वल टू जीरो एंड थ्री। अगर मैं एक्स की वैल्यू वन पुट करूं तो वाई इक्वल्स टू इंटू वन प्लस थ्री, वाई इक्वल्स टू प्लस थ्री, वाई इक्वल्स फाइव। कोऑर्डिनेट पेयर मेरे पास बन गया वन इंटू फाइव। अगर मैं एक्स की वैल्यू टू पुट कर दूं तो वाई इक्वल्स टू इंटू टू प्लस थ्री, वाई इक्वल्स फोर प्लस थ्री, वाई इक्वल्स सेवन। फिर मेरे पास बन गया टू एंड सेवन। इसी तरीके से अगर मैं एक्स की वैल्यू थ्री पुट कर दूं, वाई इक्वल्स टू इंटू थ्री प्लस थ्री, वाई इक्वल्स सिक्स प्लस थ्री एंड वाई इक्वल्स नाइन, मेरे पास कोऑर्डिनेट पेयर बन गया थ्री एंड नाइन का। अगर मैं इसको एक एक्स और वाई की वैल्यूज़ ऐसे देखूं तो एक्स की वैल्यू ज़ीरो से वाई की वैल्यू आ गई थ्री, एक्स की वैल्यू वन से वाई की वैल्यू आ गई फाइव, एक्स की वैल्यू टू से वाई की वैल्यू आ गई सेवन, और एक्स की वैल्यू थ्री से वाई की वैल्यू आ गई मेरे पास नाइन। इट मीन्स मैंने ज़ीरो से वन बढ़ाया, वन की चेंजिंग की, इधर थ्री से फाइव बन गए, टू की चेंजिंग हुई, फिर
फिर वन से वन मैंने बढ़ाया, इधर फाइव से सेवन बन गए, फिर टू की चेंज, इधर वन से थ्री मैंने चेंज किया, इधर मैंने टू से थ्री चेंज किया, मतलब वन ही ऐड किया इसमें, इधर सेवन से आ गए नाइन। इसका मतलब एक्स की वैल्यू पुट करने से वाई की वैल्यू हमें एक्स की वैल्यू के रिस्पेक्टिव मिली है। इट मीन्स हमारे पास जो एक्स है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। एंड वाई इज डिपेंडेंट वेरिएबल। एक्स की वैल्यू पुट करने से हमारे पास वाई की वैल्यू है, लेकिन जो हमने चेंज की यानी कि जीरो से वन चेंज किया, अगर मैं इसको डेल्टा एक्स बोल दूं, डेल्टा मीन्स चेंज, तो ये जो है हमारे पास साइन ये डेल्टा है, तो डेल्टा पढ़ते हैं, और ये चेंज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, डेल्टा एक्स है मेरे पास वन, तो अगर मैं इसको कह दूं डेल्टा वाई, तो वाई में चेंजिंग क्या हुई, टू नंबर्स की। अगर इसको मैं फिर डेल्टा एक्स कह दूं, तो यहाँ पे भी डेल्टा वाई जो है ये हमारा टू के इक्वल है, यहाँ पे भी जो डेल्टा वाई है वो टू के इक्वल ही है, ये यहाँ पे अगर मैं इसको डेल्टा एक्स कह दूं, तो ये डेल्टा वाई है। अब यहाँ पे क्या है कि मैं एक्स में चेंजिंग कर रहा हूँ, उसके रिस्पेक्टिव वाई में चेंजिंग हो रही है। अब इसका हम ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं इसका, इधर आ जाएगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, नेगेटिव वन नेगेटिव टू नेगेटिव थ्री नेगेटिव फोर नेगेटिव फाइव नेगेटिव सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। x की वैल्यू मैंने ज़ीरो रखी, y की वैल्यू थ्री आई, x की वैल्यू यहाँ पे ज़ीरो है, y की वैल्यू यहाँ पे थ्री आ गई, x की वैल्यू वन रखी, y की वैल्यू फाइव आ गई, ये फाइव इधर आ गया, x की वैल्यू टू रखी तो y की वैल्यू सेवन आ गई, x की वैल्यू थ्री रखी तो y की वैल्यू मेरे पास नाइन आ गई। अगर मैं इनको मिला दूं तो ये मेरे पास इस तरीके से ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, अब ये देखें कैसे किया हमने, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं कि x की वैल्यू ज़ीरो थी, ज़ीरो से मैंने x वन बढ़ाया, y मुझे टू बढ़ाना पड़ा, फिर मैंने x वन ऐड किया, y मुझे टू डिजिट्स और ऐड करना पड़ा, x की वैल्यू मैंने वन और बढ़ाई, y की वैल्यू मेरी टू डिजिट्स और बढ़ गई। इसी तरीके से अगर मैं नेगेटिव जाऊं तो x की वैल्यू वन बढ़ाने से y की वैल्यू मुझे टू बढ़ानी पड़ेगी, जो यहां पे आ जाएगी। इसी तरीके से इधर वन ऐड करूं टू तक, तो यहां मुझे टू डिजिट्स ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये लाइन ग्राफ अगर मैं इधर ऐसे बढ़ा दूं, इधर ऐसे बढ़ा दूं, तो हम वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ये मैंने चेंज की एक्स में, तो ये मेरे पास जो वाई की चेंजिंग आई है, इसको हम यहाँ पे एक्स और वाई की जो डिपेंडेंट चेंज है उसको अगर हम रिप्रेजेंट कर दें इस स्लोप के साथ, तो ये स्लोप हमें बताती है कि एक्स वन ऐड करने से वाई हमें टू ऐड करने पड़े, ये वाली स्लोप जो बताती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम देखें तो ये जो है ये हमारी स्लोप है, इनके दरमियान में ये स्लोप है, इन दो नंबर्स के दरमियान में एक्स और वाई के दरमियान में ये स्लोप बन जाएगी, तो ये स्लोप हमें बताती है कि हमारे पास टू डिजिट्स का डिफरेंस है थ्री से फाइव के दरमियान में। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो एक्स की वैल्यू ज़ीरो रखने से हमारे पास आंसर क्या आया, वन रखने से क्या आया, और टू रखने से और थ्री रखने से क्या आया। उसके बाद यहाँ पे ये है आपकी डेल्टा एक्स की चेंज और ये डेल्टा वाई की चेंज है। अगर मैं इसको रिप्रेजेंट कर दूँ इस तरीके से, डेल्टा एक्स
चेंज इन एक्स और डेल्टा वाई इज इक्वल टू चेंज इन वाई, तो मेरे पास अगर मैं देखूं कि डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स जो है उसका रेशो क्या है, तो टू डिजिट्स का डिफरेंस आता है जैसे ही हम वन डिजिट का डिफरेंस बनाते हैं। तो ये हमारे पास आ गई वैल्यू टू, ये वैल्यू टू आ गई। इसका मतलब ये है कि ये हमारा बेसिकली टू डिजिट्स का डिफरेंस ही है जो हमारा यहाँ पे रेट ऑफ चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और वो हमने ग्राफ के ज़रिए से भी देख लिया है। अब इस ग्राफ के ज़रिए से आप ये देखें कि जो हमारा ये स्लोप है ये टू डिजिट्स की है, और जो हमारी जो ओरिजिनल लीनियर इक्वेशन है वो है 2x प्लस 3 वाई इक्वल है 2x प्लस 3। तो यहाँ पे अगर आप देखें ये 2 जो आ रहा है, अगर मैं इसको एक जनरल इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी से रिप्रेजेंट कर दूं, तो ये 2 जो है ये m के इक्वल आ जाएगा, मींस m इक्वल्स टू। तो ये 2 जो होगा ये आपके ग्राफ में स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा, ये वाला 2 जो है। एक तो आपको ये चेंज इन y ओवर चेंज इन x से भी पता लग जाएगा, इसके बाद ये ग्राफ ड्रा करके भी आपको पता लग जाएगा कि x की वैल्यू में क्या चेंज की है जिसकी वजह से y की वैल्यू चेंज हुई है, ये आपकी स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद इंटरसेप्ट क्या होता है, द पॉइंट वेयर टू लाइंस टच और कट्स ईच अदर, द पॉइंट वेयर टू लाइंस कट और टचेज ईच अदर। तो यहाँ पे अगर आप ग्राफ में देखें तो 3 एक ऐसा पॉइंट है आपके पास जिस पे ये जो ग्राफ है हमारा, ये ग्राफ इस y एक्सिस को कट कर रहा है, ये y एक्सिस है। तो ये लाइन ग्राफ जो है इस 3 पे इसको कट कर रहा है, ये जो पॉइंट है इस 3 पे इसको कट करके गुजर रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका इंटरसेप्ट कहलाता है, और इस इंटरसेप्ट के अकॉर्डिंग आप इस लाइन में, ये जो लाइन, इसके अकॉर्डिंग आप अगर ये अपनी इक्वेशन देखें, इसमें ये जो 3 है ये वो पॉइंट है जहां पे आपका ग्राफ जो है वाई एक्सिस को कट कर रहा है। सो ये वाला पॉइंट बी जो है ये आपका इंटरसेप्ट कहलाएगा। सो एज अ रिजल्ट आपके पास जो भी लीनियर इक्वेशन आएगी, फॉर एग्जांपल 4x प्लस 7 लिख दूं, इसको हम रेफरेंस देंगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी का, क्योंकि m जो होता है ये होता है स्लोप को रिप्रेजेंट करता है एंड b इज द इंटरसेप्ट। तो यहाँ पे हमारा इस इक्वेशन में स्लोप जो होगी दैट विल बी 4 एंड इंटरसेप्ट विल बी 7। हम ये जो है ग्राफ बना के भी चेक कर सकते हैं इस इक्वेशन का, और हम इस इक्वेशन को देख के भी बता सकते हैं कि ये स्लोप जो है वो 4 होगी और इंटरसेप्ट जो होगा वो 7 होगा, मींस 7 y एक्सिस पे जहाँ पॉइंट होगा वहाँ पे ये ग्राफ जो है इस लाइन का वो y एक्सिस को टच करके कट करके गुजरेगा, और स्लोप जो होगी वो 4 डिजिट के इंटरवल की अकॉर्डिंग होगी। ये वो मेथड है जिसके ज़रिए से आप लीनियर इक्वेशंस के लाइन ग्राफ की स्लोप और इंटरसेप्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि एक्सपोनेंट क्या होता है। एक्सपोनेंट बेसिकली पावर को भी बोलते हैं,
इंडेक्स भी बोलते हैं इसको, और इसकी जमा जो है इंडिसेस है। पावर, फॉर एग्जांपल यहां पे अगर लिखा हो 2 की पावर 5, इसका मतलब ये होता है कि हमने 2 को 2 के साथ ही 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है, और इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32। इट मींस कि 2 की पावर 5 जो है हमें ये बताती है कि 2 को 2 के साथ ही 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है। सो अगर हम इसको देखें तो 2 और ये 5, यहां पे ये 2 जो होता है ये बेस नंबर कहलाया जाता है, बेस नंबर, और इसको रेडिक्स भी बोलते हैं। 5 जो है इसको हम एक्सपोनेंट, और इंडेक्स या पावर भी बोलते हैं। तो एक्सपोनेंट की डेफिनेशन क्या है, अकॉर्डिंग टू बेस नंबर एंड द पावर, द नंबर ऑफ टाइम्स द बेस नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। इसका मतलब यह है कि 2 की पावर 5 जो है, इसमें 5 जो है एक्सपोनेंट ये बताता है कि हमने ये जो बेस नंबर है इसको इसी के साथ 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है, कि यहां पे इसको जब हम 5 टाइम मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स 32। तो यहां पे ये हमें पता लगता है कि ये जो एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट जो है ये यहां पे हम रिपीट कर रहे हैं मल्टीप्लीकेशन को ही, रिपीटेड प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लीकेशन है। अब ये जो है इसका सिंबल, एक्सपोनेंट का सिंबल जो है वो कैरेट है, इसको बोलते हैं कैरेट, और इसको उल्टा वी जो है उससे हम रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर यहां पे लिखा हो 2 कैरेट 5, इसका मतलब होता है 2 की पावर 5, जो कि 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आता है इक्वल्स 32। सो अगर यहां पे आ जाए 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इसका मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाय 5, इसका आंसर आएगा 10, और 2 की पावर 5 का आंसर आता है 32, जो के दोनों इक्वल नहीं है। सो यहां पे प्रोसेस किया जा रहा है 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 एंड +2 इक्वल्स 10, और इसको मल्टीप्लाई किया है तो 32 आ रहा है। इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन जो है रिपीटेड प्रोसेस ऑफ एडिशन है। मल्टीप्लीकेशन जो है रिपीटेड प्रोसेस ऑफ एडिशन है, जबकि एक्सपोनेंट जो है, एक्सपोनेंट जो है रिपीटेड प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लीकेशन है। टू की पावर अगर 5 है, हम इसको पढ़ते क्या हैं, हम इसको पढ़ते हैं 2 टू दी 5th पावर, 2 पावर 7 आ जाए तो 2 टू दी 7th पावर। टू की पावर एन आ जाए 2 टू दी
nth पावर, n आपके पास 1, 2, n आपके पास 0, 1, 2, up to so on कुछ भी हो सकता है। इसके बाद हमारे पास कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट होते हैं। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में सबसे पहला जो लॉ है दैट इज प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ हमें क्या बताता है कि अगर आपके पास एक बेस हो ए और उसकी पावर एम हो और दूसरा सेम बेस हो ए लेकिन उसकी पावर एन हो, तो प्रोडक्ट मींस जब वो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो सेम बेस के साथ पावर जो होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। इसकी एग्जांपल है अगर आपके पास 5 की पावर 3 है और हम दूसरा देख लेते हैं 5 की पावर 2, तो क्या होगा, आपके पास अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट लॉ 5 की पावर 3 इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 की पावर 2 के साथ तो 5 की पावर 3 प्लस 2 हो जाएंगे और आंसर आएगा 5 टू रेज पावर 5 और इसको जब हम ओपन करेंगे तो आएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 और इसका आंसर जो है वो आंसर आएगा 3125। सेकंड लॉ है हमारे पास क्वोशेंट लॉ। क्वोशेंट लॉ के अंदर ये है कि अगर आपके पास एक बेस जिसकी पावर m है डिवाइड हो रहा है सेम बेस जिसकी पावर n हो, तो आपके पास जो पावर्स हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं और बेस वही रहता है। फॉर एग्जांपल आपके पास 5 की पावर 3 डिवाइड हो रहा है 5 की पावर 2 के साथ, इसको हम ऐसे लिखते हैं या ऐसे लिखते हैं 5 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 2, तो इनका रिजल्ट दोनों फॉर्म में क्या आएगा, 5 की पावर 3 माइनस 2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लॉ, तो 5 की पावर 3 माइनस 2 5 की पावर 1 आ जाता है जो कि इक्वल होता है 5 के। इस तरीके से हम क्वेश्चन लॉ के अकॉर्डिंग सेम बेस बट डिफरेंट पावर्स को हम एक्सपेंड करते हैं। थर्ड लॉ है हमारे पास पावर ऑफ पावर लॉ। इसके अकॉर्डिंग अगर आपके पास एक बेस जिसकी पावर m है उस होल बेस और एक्सपोनेंट वाले नंबर की पावर कोई n है, तो आपका बेस वही रहता है और पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। इसकी एग्जांपल ये है कि लेट्स सपोज आपके पास है एक बेस 5, उसकी पावर है 3 और 2 उसकी पावर होल की आ जाती है, तो क्या होगा, 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाती है। 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स 5 की पावर 6 और 5 की पावर 6 को जब हम एक्सपेंड करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड मल्टीप्लाई बाय 5, इसको जब हम एक्सपेंड करते हैं तो आंसर आ जाता है 15625। ये है 5 की पावर 6 का आंसर। इस तरीके से पावर ऑफ पावर को कैलकुलेट किया जाता है। इसके बाद है हमारे पास नेगेटिव पावर। नेगेटिव पावर में ये है कि अगर आपके पास एक बेस है उसकी पावर नेगेटिव में है, तो जब वो डिनोमिनेटर में जाएगा बेस तो उसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, या अगर एक बेस जो के डिनोमिनेटर में मौजूद है उसकी पावर नेगेटिव है तो जब वो न्यूमिरेटर में आएगा तो उसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। इसकी एग्जांपल कुछ इस तरीके से है, लेट्स सपोज आपके पास 5 की पावर -3 है, तो जब हम इसको 1 ओवर
फाइव की पावर करेंगे डिनोमिनेटर में तो वो नेगेटिव नहीं बल्कि पॉजिटिव थ्री आएगा। इसी तरीके से फाइव की पावर नेगेटिव टू जो है अगर डिनोमिनेटर में नेगेटिव है तो जब न्यूमिनेटर में आएगी तो फाइव की पावर पॉजिटिव टू हो जाएगी। इस तरीके से हम नेगेटिव पावर्स को पॉजिटिव करते हैं। उसके बाद है, आता है जी हमारे पास जीरो पावर। जीरो पावर अगर हम देखें तो ये हमारे पास लॉ है कि अगर ए इसकी पावर जीरो आती है तो वी इक्वल टू वन आता है। ये कैसे आता है अब हम ये देखते हैं। लेट सपोज आपके पास टू की पावर फाइव जो है ये आता है आपके पास टू मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय टू एंड मल्टीप्लाई बाय टू इक्वल्स 32। टू की पावर फोर ये हमारे पास आता है 16। टू की पावर थ्री इज इक्वल टू 8। टू की पावर टू इक्वल्स 4। टू की पावर वन इक्वल्स 2। अब यहां पे अगर आप देखें तो 16 जो आया है वो जब हमने 32 को डिवाइड किया है 2 पे तो 16 आया। 16 से 8 कैसे आया? जब हमने 16 को डिवाइड किया है 2 पे तो 8 आया है। 8 से 4 कैसे आया है? जब हमने 8 को डिवाइड किया है 2 पे तो हमारे पास 4 आया है। अब चूंकि 2 जो है वो बेस है, हमने बेस पे ही डिवाइड किया है तो हमारे पास जो लेसर पावर है उनका आंसर आ रहा है। अब इसी तरीके से जब हम 4 को डिवाइड करते हैं 2 पे तो हमारे पास ये 2 आ जाता है। इसी तरीके से अब अगर मैं 2 की पावर 0 को देखूं तो 2 को जब मैं डिवाइड करूंगा ना, तो जब मैं इस 2 को डिवाइड करूंगा 2 पे तो मेरे पास आंसर तो आता है 1। तो जैसे हमने यहां से यहां तक वैल्यूज फाइंड की इसके अकॉर्डिंग यहां पे 1 आ रहा है तो 2 की पावर 0 इक्वल 1 बन गया। तो इसके अकॉर्डिंग जो भी नंबर्स बेस नंबर जिसकी पावर 0 आ रही होगी उसका आंसर आएगा इक्वल टू 1। तो इसकी हम एग्जांपल एक और देखते हैं। अगर 12 को मैं डिवाइड करूं 12 के साथ तो क्या आंसर आता है? यहां पे 12 को ही हम डिवाइडेंट और 12 ही डिवाइजर है तो इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आता है और आंसर हो जाता है। तो यहां पे 1 जो है इन दोनों को डिवाइड करने से हमारे पास 1 आ रहा है। तो इसी तरीके से यहां पे मैंने 2 को 2 पे डिवाइड किया तो 1 आया है। सो इस मेथड के जरिए से a की पावर 0 हमारे पास इक्वल टू 1 है। अब हम इस लेक्चर में देखेंगे कि लीनियर इनइक्वालिटीज क्या है। लीनियर इनइक्वालिटीज को समझने के लिए हम पहले एक लीनियर इक्वेशन की एग्जांपल देखते हैं। लीनियर इक्वेशन में हमारे पास एक एग्जांपल है 4x-5=15। ये एक हमारे पास एग्जांपल है। इसमें देखें तो हमारे पास एक अलजबरिक एक्सप्रेशन ये है और एक अलजबरिक एक्सप्रेशन ये है और इन दो एक्सप्रेशंस को इक्वालिटी के साइन के साथ इक्वल करके रिप्रेजेंट किया गया है, जिसकी वजह से इक्वालिटी की वजह से हमें ये लीनियर इक्वेशन कहना पड़ता है इसको। इसके बाद अगर हम इनइक्वालिटी को देखें तो लीनियर इनइक्वालिटी हमारे पास क्या होती है? लीनियर इनइक्वालिटी जो है वो हमारे पास दो एक्सप्रेशन जो होते हैं, दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर हम इन्हीं को देखें तो 4x-5=15 दूसरा एक्सप्रेशन है। ये जो दो एक्सप्रेशन हैं ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी के साथ कंपेयर किए जाते हैं। कंपेयर करने के लिए जो साइंस ऑफ इनइक्वालिटी जो हैं उनमें 1 greater than, lesser greater than equal to और less than equal to के 4 साइन है। इन 4 साइंस में से कोई एक साइन यूज करके यहां पे कंपेयर किया जाता है। अब ये साइन कैसे लगाया जाता है, यूज किया जाता है, उसके लिए ये साइन है आपका जिसमें इसकी ये जो ओपन साइड है ये हेड साइड कहलाती है और जहां पे ये क्लोज है पॉइंट इसको हम टेल साइड बोलते हैं। जो नंबर ग्रेटर होता है वो हेड की साइड पे आता है
जो नंबर लेसर होता है वो टेल की साइड पे आता है। अब यहां पे 4x माइनस 5 जो है, लेट्स सपोज यहां पे कंपेयर किया है ग्रेटर वैल्यू के साथ, तो इसका मतलब ये है कि यहां पे ये जो एक्सप्रेशन है ये ग्रेटर है इस नंबर से। इसमें हम ये देखेंगे कि हम किस तरीके से साइंस ऑफ इनइक्वालिटी को यूज करते हैं। अब हमें पता है कि हमारे पास फोर साइंस है जिसमें ग्रेटर देन, लेसर, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू के साइन है। इनको यूज कैसे करते हैं? फॉर एग्जाम्पल आपके पास नंबर है 4x दैट इज ग्रेटर देन 3x, तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये ग्रेटर देन है या लेस देन है? इसके लिए लेट्स सपोज अगर मैं x की यहां पे वैल्यू पुट करता हूं 1, तो देखते हैं क्या होता है। 4x की जगह पे 1 ग्रेटर देन 3x की जगह पे 1, तो मेरे पास ये आ जाता है 4 1s are 4 दैट इज ग्रेटर देन 3, तो यहां पे हमारे पास ये इनइक्वालिटी का कंपेयरिंग सेटिस्फाई होती है। इसके बाद अगर मैं x की जगह पे वैल्यू 2 पुट कर दूं तो मेरे पास 4 into 2 ग्रेटर देन 3 into 2, तो 4 2s are 8 दैट इज ग्रेटर देन 3 2s are 6, तो 8 इज ग्रेटर देन 6, तो हमारी ये भी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई होती है। अगर मैं यहां पे x इक्वल्स नेगेटिव 1 पुट कर दूं तो मेरे पास 4 इंटू नेगेटिव 1 ग्रेटर देन 3 इंटू नेगेटिव 1 आ जाता है। तो 4 को नेगेटिव 1 से मल्टीप्लाई करें, अब चूंकि इसके साथ प्लस का साइन है तो प्लस माइनस माइनस, 4 1s are 4, तो ग्रेटर देन का साइन ऐसे ही, प्लस इसके साथ भी है तो प्लस माइनस माइनस 3। लेकिन यहां पे अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू नंबर लाइन, अगर मैं नंबर लाइन पे यहां पे मैं 0 1 और इधर -1 -2 -3 -4 -5 अप टू नेगेटिव इंफिनिटी तक जाऊं, तो हमने नंबर लाइन पे पढ़ा था कि आपका फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जो है नंबर्स इंक्रीज होते हैं, नंबर्स इंक्रीजेस। तो अगर हम देखें तो यहां पे 4 है, ये हमारा -3 है। इसका मतलब जब नंबर्स इंक्रीज आपके पास राइट साइड पे जाते होते हैं तो आपका जो 3 है वो ग्रेटर है और 4 जो है लेसर नंबर है। तो इस नंबर लाइन के ग्राफ के अकॉर्डिंग ये वाली जो कंडीशन है आपके पास ये सेटिस्फाई नहीं होती। तो यहां पे क्या होता है, जब हम नंबर्स को यहां पे मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस के साथ दोनों साइड पे, तो आपका जो ये साइन है वो भी चेंज हो जाता है। तो ये नहीं आपकी कंडीशन आएगी, आपके पास रिजल्टेंट जो होगा प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करके -4 और इधर -3 जब आएगा तो ग्रेटर की जगह पे यहां पे लेसर का साइन आएगा और साइन जो होगा वो चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से हम एक और एग्जांपल देखते हैं। लेट्स सपोज मैं यहां पे 4x ग्रेटर देन 3x जो है, यहां पे x की वैल्यू मैं -2 पुट कर देता हूं, तो 4 into -2 ग्रेटर देन 3 into -2, तो यहां पे प्लस माइनस माइनस, 4 2s are 8 और यहां पे भी प्लस माइनस माइनस, 3 2s are 6, तो यहां पे भी साइन इसका चेंज हो जाएगा। इस तरीके से हम ये देखते हैं कि अगर आप जो है प्लस वाले साइंस के साथ वैल्यूज में नंबर ऐड करके आप उनको 4 से और 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा ये जो इनइक्वालिटी का साइन है वो चेंज नहीं होता। लेकिन जैसे ही आप नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो अकॉर्डिंग टू नंबर लाइन आप लोग चेक करके उसका साइन चेंज जैसे होता हुआ उस हवाले से आप साइन चेंज करके उसको यूज कर सकते हैं। तो हम इसी एक्सप्रेशन को यूज करते हुए देखते हैं 4x माइनस 5 इज ग्रेटर देन 15 लिखा है, तो यहां पे हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हम देखते हैं कि यहां पे ये माइनस 5 है, सेम वही मेथड्स यूज करेंगे, वही प्रोसेसेस यूज करेंगे जिनके जरिए से हम इक्वेशंस को, जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं उनको सॉल्व करते हैं। हम अंडू करेंगे तमाम वो प्रोसेसेस को जो कि आपके पास जिस साइड पे वेरिएबल है वहां पे परफॉर्म किए गए हैं। अब यहां पे माइनस 5 है तो यहां पे प्लस 5 करके इस साइड पे और प्लस 5 करके इस साइड पे हम ऐड कर देंगे। अब यहां पे प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया, 4x यहां पे ग्रेटर का साइन वन टाइम यूज होगा, इसके साथ भी प्लस का साइन है, इसके साथ भी प्लस का साइन है, प्लस 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 15 एंड 5 20।
अब यहाँ पे x इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर इसको डिवाइड कर देंगे, इधर भी इसको डिवाइड कर देंगे, 4 4 से कट गया, x इधर आ गया, ग्रेटर एंड 4 5 20, x इज ग्रेटर देन 5, इसको पढ़ेंगे x इज ग्रेटर देन 5। इसका मतलब ये है कि x में वो तमाम वैल्यूज इन्वॉल्व होंगी जो कि ग्रेटर देन 5 होंगी। अब यहां पे ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू का क्या मतलब है? यहां पे अगर लिखा है x इज ग्रेटर देन 5 और x इज लेस देन 5 लिखा है, इसका मतलब है x में तमाम वो वैल्यूज आएंगी जो कि 5 से ग्रेटर है। फॉर एग्जाम्पल ये 5 है नंबर लाइन के ऊपर और यहां पे पॉजिटिव इन्फिनिटी है, इधर 6 है, 7 8 9 10 अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो ग्रेटर देन 5 का मतलब ये है कि 5 से ग्रेटर, यानी कि 5 के अलावा 5 के फौरी नेक्स्ट से नंबर स्टार्ट होंगे और वो तमाम नंबर्स जो कि पॉजिटिव इन्फिनिटी तक हैं वो यूज होंगे। और इधर क्या है, x इज लेस देन 5, 5 है यहां पे आपके पास नंबर लाइन के ऊपर, ये 5 है, 4 3 2 1 0 -1 अप टू नेगेटिव इन्फिनिटी। तो 5 से एक नंबर लेस करके तमाम के तमाम वो नंबर्स जो के नेगेटिव इन्फिनिटी तक आते हैं वो लेसर में इंक्लूड किए जाएंगे। और अगर आपके पास x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, इट मींस यहाँ पे x में अगर 5 से नंबर लाइन स्टार्ट हो रही है या नंबर जो इन्वॉल्व हैं, तो यहाँ पे x 5 भी इन्वॉल्व होगा, 6 7 अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, यहाँ पे 5 से ग्रेटर सारे और इंक्लूडिंग 5। और अगर x इज लेस देन इक्वल टू 5 हो तो ये हमें बताता है कि यहाँ पे आपके पास अगर एक नंबर लाइन है 5 4 3 2 1 0 अप टू नेगेटिव इन्फिनिटी, तो यहाँ पे 5 भी इंक्लूड होगा और 5 से लेसर जितने भी नंबर्स हैं वो तमाम के तमाम इंक्लूड्स होंगे। अब अगर आप देखें तो ग्राफ में ये कुछ खूबसूरत नहीं लग रहा, कोई अच्छा नहीं लग रहा रिप्रेजेंट करने के लिए, ये जो हम लाइनें लगा के लिख रहे हैं और हमें ये पता भी नहीं चल रहा कि एग्जैक्टली कौन सा नंबर इंक्लूड है और कौन सा नंबर नहीं इंक्लूड। तो इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए जो मेथड यूज किया जाता है वो इंटरवल सिस्टम जो है यूज किया जाता है। अब इंटरवल सिस्टम क्या है? इंटरवल जो होता है बेसिकली आप जानते हैं, इंटरवल इंटरवल सिस्टम क्या है आप सभी जानते हैं कि इंटरवल जो होता है, हम नंबर लाइन में पढ़ चुके हैं, इंटरवल बेसिकली सबसेट ऑफ नंबर लाइन होता है। इसका मतलब ये एक नंबर लाइन का पार्ट ही होता है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास लाइन है, नंबर लाइन यहां पे 0, इधर नेगेटिव इन्फिनिटी, इधर पॉजिटिव इन्फिनिटी, 1 2 3 -1 -2 एंड -3। और अगर मैं यहां पे दो कंजेक्टिव नंबर्स के दरमियान का डिस्टेंस जो है हाईलाइट करूं तो इसको हम बोलते हैं इंटरवल। तो यहां पे ये इंटरवल जो है बेसिकली हर दो कंजेक्टिव नंबर्स के दरमियान में सेम है, और अगर मैं इसको सेपरेट भी कर लूं तो भी मुझे यही पता चलता है कि ये इंटरवल जो है ये इस नंबर लाइन का पार्ट है। तो इंटरवल को बोलते हैं सबसेट ऑफ नंबर लाइन। अब इन टाइप्स ऑफ इंटरवल क्या है, इसको ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले है ओपन इंटरवल, दूसरा है क्लोज्ड इंटरवल, सेमी ओपन इंटरवल, सेमी क्लोज्ड इंटरवल। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ओपन इंटरवल को।
ओपन इंटरवल क्या है? ओपन इंटरवल आपके पास बेसिकली इंटरवल है और जिसमें हम जो नंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ए और बी दो नंबर्स हों, तो एक्स एक आपके पास वैल्यू है जो के रिप्रेजेंट करती हो ग्रेटर देन ए और लेस देन बी, ये जो दो नंबर्स हैं, तो आप इनको कैसे डिनोट करेंगे? इंटरवल सिस्टम आपको इसकी रिप्रेजेंटेशन का मेथड बताता है। तो इसको आपने जो रिप्रेजेंट करना है वो होगा ओपन के साथ, ओपन इंटरवल के साथ। तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे एक्स इज ग्रेटर देन ए लेस देन बी। यहाँ पे ग्रेटर देन और लेस देन ए और बी जो हैं वो ये बताते हैं कि आपकी जो वैल्यू है ए और बी वो इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन जो इनके दरमियान में वो तमाम वैल्यूज ए और बी के दरमियान में आ रही हैं वो सारी इन्वॉल्व हैं। इसके लिए आप ये भी मेथड यूज कर सकते हैं और इसके अलावा पैरेंथेसिस भी यूज कर सकते हैं। ये पैरेंथेसिस जिन नंबर्स के साथ लगी होंगी वो नंबर्स इन्वॉल्व नहीं होंगे। अब ओपन क्यों कहा जाता है? ओपन से मुराद ये, इसको हम ओपन सर्कल से डिनोट करते हैं। ओपन सर्कल मतलब एम्प्टी सर्कल से, इसका मतलब है दिस वैल्यू इज नॉट इन्वॉल्व। और अगर आपके पास यहां पे एक क्लोज्ड सर्कल आ जाए, क्लोज्ड सर्कल मीन फिल सर्कल, तो दिस वैल्यू इज इन्वॉल्व्ड। अब ये वैल्यू इन्वॉल्व है तो हम क्या करते हैं, एक नंबर लाइन है हमारे पास, इस नंबर लाइन पे हमारे पास यहां पे जीरो है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, नेगेटिव वन नेगेटिव टू नेगेटिव थ्री नेगेटिव फोर एंड नेगेटिव फाइव। अब यहां पे आपके पास लेट्स सपोज एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन नेगेटिव टू एंड लेस देन फाइव, तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? नेगेटिव टू यहां पे है और फाइव है यहां पे, लेकिन ये दोनों इन्वॉल्व नहीं हो, तो इसके लिए आप ओपन सर्कल ड्रा करेंगे। यूं ओपन सर्कल, दोनों ओपन सर्कल हैं, मतलब कि नेगेटिव टू और फाइव जो है इन्वॉल्व नहीं है और बाकी तमाम वैल्यूज इसमें इन्वॉल्व है। तो इसको आप इस तरीके से लाइंस लगा के इन दोनों ओपन सर्कल के दरमियान में इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये रिप्रेजेंटेशन मेथड ये बताता है कि आपका जो सॉल्यूशन सेट है वो आएगा सॉल्यूशन सेट में इन्वॉल्व होगा नेगेटिव टू एंड फाइव। चूंकि ये दोनों इन्वॉल्व नहीं है तो इनके लिए जो ब्रैकेट्स हैं बाहर की तरफ मुंह निकाल के हम इसको लगाएंगे, या नेगेटिव टू के आगे भी पैरेंथेसिस और फाइव के साथ भी पैरेंथेसिस। ये पैरेंथेसिस हमें बताती हैं कि ये वैल्यूज इन्वॉल्व नहीं है। इस इंटरवल को बोलते हैं ओपन इंटरवल। यहां पे देखें तो यहां पे भी ये ओपन है, मतलब दोनों साइड जो है ओपन है, इनको हमने क्लोज नहीं किया हुआ, इसलिए हम इनको ओपन इंटरवल बोलते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारे पास क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल क्या है? लेट्स सपोज आपके पास एक्स जो है उसकी वैल्यू जो हो आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू नेगेटिव टू लेस देन इक्वल्स टू फाइव हो, तो आपके पास देखें इक्वालिटी का साइन है, मतलब वो भी वैल्यूज इन्वॉल्व हैं, तो वो भी वैल्यूज इन्वॉल्व होने की वजह से आपका जो नंबर लाइन के ऊपर एक नंबर लाइन है जीरो नेगेटिव वन नेगेटिव टू नेगेटिव थ्री वन टू थ्री फोर एंड फाइव, ये फाइव तक हैं। अब आपके पास वैल्यूज ग्रेटर देन इक्वल टू हैं और लेस देन इक्वल टू हैं, इसका मतलब वो वैल्यूज भी इन्वॉल्व हैं। तो नेगेटिव टू पे क्लोज्ड सर्कल, क्योंकि वैल्यू ये भी इन्वॉल्व है,
और फाइव पे भी क्लोज्ड सर्कल, ये वैल्यू भी इन्वॉल्व है, और इनके दरमियान में लाइन, ये आपको रिप्रेजेंट करती है कि ये आपके पास वैल्यूज़ नेगेटिव टू और फाइव जो हैं इन्वॉल्व हैं। सो इनका सॉल्यूशन सेट क्या लिखा जाएगा, सॉल्यूशन सेट है आपके पास नेगेटिव टू से फाइव तक। नेगेटिव टू जो है, नेगेटिव टू में आपके पास वैल्यू जो इन्वॉल्व है वो है आपके पास नेगेटिव टू की। सो यहां पे आप ब्रैकेट लगाएंगे अंदर को क्लोज करके, ये हमें बताती हैं ब्रैकेट्स के ये वाली वैल्यू भी इन्वॉल्व है। इस सर्कल को हम बोलते हैं क्लोज सर्कल। क्लोज सर्कल की वजह से इस इंटरवल को, जिस इंटरवल में ये वैल्यूज एक्स की मौजूद है, इस इंटरवल को बोला जाता है क्लोज्ड इंटरवल। अब देखते हैं जी सेमी ओपन इंटरवल। सेमी ओपन इंटरवल क्या, फॉर एग्जांपल अब आपके पास एक्स की वैल्यू है वो है आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू नेगेटिव टू बट लेस देन फाइव है। साइन ऑफ इक्वालिटी नहीं है, लेस देन फाइव है। तो आप इसको किस तरीके से नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे, ये आपके पास एक नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन पे जीरो, नेगेटिव वन, नेगेटिव टू, नेगेटिव थ्री, नेगेटिव फोर, और इधर वन टू थ्री फोर एंड फाइव है। तो जहां पे आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, इट मीन्स वहां पे होगा क्लोज्ड सर्कल। तो हम यहां पे बना देते हैं नेगेटिव टू पे क्लोज्ड सर्कल, और जहां पे आपके पास ग्रेटर देन का साइन है या लेसर का साइन है, अब यहां पे लेसर का साइन है इसका मतलब इक्वालिटी का साइन नहीं है, सो यहां पे बनेगा ओपन सर्कल। ओपन सर्कल बताता है कि ये वैल्यू इन्वॉल्व नहीं है, क्लोज सर्कल बताता है कि यहां पे वैल्यू इन्वॉल्व है। इन दोनों को अगर हम एक लाइन के साथ कनेक्ट कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, तो ये हमारे पास जो इंटरवल है इसमें एक साइड से आपके पास वैल्यू क्लोज्ड है, क्लोज्ड है तो उस साइड पे आपके पास आएगी नेगेटिव टू सॉल्यूशन सेट में, और इसके साथ लगेगी ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, और वैल्यू है आपके पास फाइव जो कि इन्वॉल्व नहीं है। या तो आप उसके साथ ऐसे पैरेंथेसिस लगा देंगे या नेगेटिव टू फाइव के बाद ब्रैकेट इस तरीके से लगा देंगे, तो ये आपका सेमी ओपन इंटरवल हो जाएगा। इसको सेमी ओपन इसलिए बोलते हैं क्योंकि स्टार्टिंग में ये क्लोज है और आगे जाके ये ओपन है, इसीलिए इसको स्टार्ट से क्लोज और एंड से ओपन होने की वजह से, एंड की वजह से इसको जो एंडिंग पॉइंट है वो ओपन है, इसलिए इसको हम सेमी ओपन इंटरवल बोलते हैं। लास्ट है हमारा सेमी क्लोज्ड इंटरवल। सेमी क्लोज्ड इंटरवल क्या है जी, लेट सपोज आपके पास एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन नेगेटिव टू बट लेस देन इक्वल्स टू फाइव हो, तो इसमें जो इक्वल टू का साइन है वहां पे क्लोज सर्कल, और जस्ट ग्रेटर या लेसर का साइन है वहां पे ओपन इंटरवल आएगा। अब यहां पे एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन नेगेटिव टू है, नेगेटिव टू इन्वॉल्व नहीं है, तो नंबर लाइन के ऊपर आपके पास नेगेटिव टू जो होगा वो ओपन सर्कल होगा, और फाइव जो होगा वो क्लोज्ड सर्कल होगा। अब यहां पे हम देखते हैं जी जो नेगेटिव टू है ये इन्वॉल्व नहीं है, तो यहां पे ये आ गया ओपन सर्कल, फाइव जो है वो इन्वॉल्व है, तो यहां पे आ गया क्लोज सर्कल। क्यों ये इन्वॉल्व है, क्योंकि ये इक्वल टू के साइन के साथ है, तो जहां पे इक्वालिटी का साइन आएगा वो क्लोज सर्कल होगा, जहां पे इक्वालिटी का साइन नहीं आएगा वो ओपन सर्कल होगा। अगर मैं इसको ऐसे लाइन के साथ इस इंटरवल को ज्वाइन कर दूं, तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट में ये जो इंटरवल होगा ये कैसे लिखा जाएगा, सॉल्यूशन सेट में अब नेगेटिव टू इन्वॉल्व नहीं है, इट मींस नेगेटिव टू इसके साथ ब्रैकेट जो होगी बाहर को मूव करके, और क्लोज्ड है आपका फाइव पे, तो आप इसको
इस तरीके से क्लोज कर देंगे, या नेगेटिव टू और फाइव जो है इस तरीके से लिख देंगे। तो जहाँ पे पैरेंथेसिस या ब्रैकेट का जो कॉर्नर्स हैं वो बाहर की तरफ निकले होंगे, वो वैल्यूज़ आपकी उसमें इंटरवल में इन्वॉल्व नहीं है, जिसकी वजह से अब देखें इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ओपन है और एंडिंग पॉइंट क्लोज है। तो यहाँ पे क्लोज होते होते रह गया, इसलिए इसको सेमी क्लोज इंटरवल बोलते हैं। इसके अलावा आपके पास जो इन्फिनिटी होती है, चाहे वो पॉजिटिव इन्फिनिटी है या नेगेटिव इन्फिनिटी हो, इसके साथ हमेशा ओपन इंटरवल यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक का आपने इंटरवल बनाना है, तो उसके साथ या पैरेंथेसिस लगाएंगे या आप ब्रैकेट्स लगाएंगे नेगेटिव इन्फिनिटी के साथ और पॉजिटिव इन्फिनिटी के साथ। और अगर आपके पास आ जाता है कि एक्स इज ग्रेटर देन नेगेटिव इन्फिनिटी एंड लेस देन पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो आपके पास ये इस तरीके से इसका सॉल्यूशन सेट आएगा। अगर आपके पास आ जाए एक्स इज ग्रेटर देन नेगेटिव इन्फिनिटी एंड लेस देन प्लस फाइव, तो यहाँ पे इसका जो सॉल्यूशन सेट आएगा वो आएगा, सॉल्यूशन सेट इसका आएगा नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ पैरेंथेसिस और पॉजिटिव फाइव, इसके साथ भी पैरेंथेसिस क्योंकि इक्वालिटी का साइन नहीं है। और इसका दूसरा मेथड होगा नेगेटिव इन्फिनिटी पॉजिटिव फाइव। अगर आपके पास आ जाए x इज ग्रेटर देन नेगेटिव इन्फिनिटी बट लेस देन इक्वल्स टू फाइव, तो इसका सॉल्यूशन सेट आएगा नेगेटिव इन्फिनिटी पॉजिटिव फाइव ब्रैकेट्स या नेगेटिव इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट्स इधर से और फाइव क्लोज ब्रैकेट। इस तरीके से हम इंटरवल सिस्टम के अकॉर्डिंग जो इनइक्वालिटी वाली लीनियर इनइक्वालिटीज होती हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन के। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं हम पढ़ चुके हैं, लेकिन अब हम इस लेक्चर में देखेंगे कि ऑपरेशंस जो हैं डिफरेंट, हमारे पास फोर अरिथमेटिक ऑपरेशंस, उनमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है। अब वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास ये ऑपरेशंस जो हैं पॉलिनोमियल पे कैसे अप्लाई होते हैं। सबसे पहले देखते हैं एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। इसके लिए फर्स्ट एग्जांपल है मेरे पास। अब आपके पास दो पॉलिनोमियल्स हैं जिनमें फर्स्ट पॉलिनोमियल है 4x प्लस 3, दूसरा पॉलिनोमियल है 7x प्लस 2। इन दो पॉलिनोमियल्स को ऐड करना है तो किस तरीके से करेंगे, इसके दो मेथड्स हैं, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। हम पहले मेथड वन डिस्कस करते हैं। मेथड वन जो है हमारे पास कैसे करेंगे, आपने पहले फर्स्ट पॉलिनोमियल को लिख लेना 4x प्लस 3, उसके बाद दूसरे पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसके नीचे वेरिएबल, कोफिशेंट के नीचे कोफिशेंट, और जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको विद साइन कांस्टेंट के नीचे लिख देंगे। फिर कैसे करेंगे जी, हम वेरिएबल को वन टाइम काउंट करेंगे, वेरिएबल सेम जो होगा उनको हम वेरिएबल सेम को, क्योंकि लाइक टर्म्स हम इनको बोलते हैं जिनका वेरिएबल और उनकी पावर सेम हो, कोफिशेंट कुछ भी हो, तो हमने लाइक टर्म्स को लाइक टर्म के साथ लिख दिया। अब ये कांस्टेंट था तो लाइक टर्म है हमारे लिए, कांस्टेंट कांस्टेंट के नीचे आ गया। हम अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो एक्स है उसको वन टाइम लिख के इन दोनों को प्लस करेंगे, 7 प्लस 4 इक्वल्स 11, प्लस 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 3 प्लस 2 इक्वल्स 5। ये आपका वर्टिकल प्रोसेस है। इसके अलावा मेथड टू जो है वो है इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, आप 4x प्लस 3 को ऐड करेंगे 7x प्लस 2 में। तो हम क्या करेंगे, इनको पहले ब्रैकेट्स को ओपन कर लेंगे, 4x प्लस 3 प्लस
7x प्लस 2। अब हम इनमें देखेंगे कि जो लाइक टर्म्स हैं उनको इकट्ठा करने, 4x को और 7x को, चूंकि ये लाइक टर्म है इनको हम एक साथ लिख लेंगे, 4x प्लस 7x और ये 3x और 2 को हम साथ में लिख लेंगे, 3 प्लस 2। लाइक टर्म्स को ऐड करेंगे तो 4x प्लस 7x इज इक्वल टू 11x प्लस 3 और प्लस 2 प्लस का 5। आंसर दोनों का सेम है लेकिन मेथोडोलॉजीज दोनों डिफरेंट हैं, हम इस तरीके से डिफरेंट पॉलिनोमियल्स को ऐड करते हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं। एक पॉलिनोमियल है हमारे पास 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, दूसरा पॉलिनोमियल है हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 1। इन दोनों पॉलिनोमियल्स को हमने ऐड करना है। हम करते हैं जी, हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल मेथड है उसके जरिए से 4x स्क्वायर को प्लस 3x माइनस 2 और दूसरे पॉलिनोमियल को ऐड कर रहे हैं तो ऐड का साइन लगा के 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 लिख लिया हमने। अब क्या करेंगे, 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 को ब्रैकेट से बाहर निकाल लेंगे, प्लस और इसके साथ भी प्लस का साइन है, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस 3x स्क्वायर प्लस 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 2x एज इट इज प्लस 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 1। अब लाइक टर्म्स को हम एक साथ करेंगे तो 4x स्क्वायर के साथ x स्क्वायर वाली वैल्यू आएगी चूंकि ये इसके साथ लाइक टर्म है, प्लस 3x और प्लस का 2x माइनस 2 प्लस 1। क्या करेंगे जी, 4x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर दोनों के साथ प्लस का साइन है तो प्लस 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 4 और 3 7x स्क्वायर प्लस 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 3 और 2 5x प्लस माइनस माइनस, एक्शन हम माइनस का परफॉर्म करेंगे, 2 माइनस 1 इक्वल्स 1 और साइन हमेशा बड़ी वैल्यू के लगता है तो बड़ी वैल्यू 2 है, इसके साथ है माइनस का साइन तो ये हमारा एडिशन का प्रोसेस होगा। इन दोनों एग्जांपल्स में आपने देखा है कि आपने वेरिएबल को ऐड नहीं किया, आपने कोफिशिएंट्स को ऐड किया है। तो इम्पोर्टेंट स्टेप यहाँ पे जो समझने वाला है वो यही है कि आप जो है कोफिशिएंट्स में कोफिशिएंट्स को ऐड करते हैं, एड्स टू कोफिशिएंट्स, कॉन्स्टेंट्स एड्स टू कॉन्स्टेंट्स। वेरिएबल को नहीं छेड़ते हम, लाइक टर्म्स के अकॉर्डिंग वेरिएबल्स को साथ लिख लेते हैं, जस्ट हम कॉफिशेंट्स में कॉफिशेंट्स को ऐड कर देते हैं और कॉन्स्टेंट्स में कॉन्स्टेंट्स को ऐड कर देते हैं। अब देखते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स। फर्स्ट हमारे पास पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग एग्जांपल जो है सब्ट्रैक्शन की वो ये है कि अगर हमारे पास हो 5x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस 2, सब्ट्रैक्ट करना है हमने इसमें से 4x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 14, तो हम कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। उसके लिए हम जो है एक मेथड पढ़ते हैं, जैसे हमने ऐड किया है हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, हम दोनों मेथड से इसको देखेंगे कि हम कैसे इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं। आपने फर्स्ट पॉलिनोमियल को एज इट इज लिख लेना है, 5x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस 2। अब हमने सेकंड पॉलिनोमियल को लिखते हुए लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखनी है, अब x स्क्वायर के नीचे x स्क्वायर आ जाएगा, 4 है इसका कोफिशिएंट प्लस का 5x और माइनस का 14। जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सब्ट्रैक्ट करते हुए नीचे वाली जस्ट जो पॉलिनोमियल है उसके साइन चेंज हो जाते हैं। अब चूंकि इसके साथ कोई साइन नहीं है तो यहाँ प्लस है, इसका साइन जब चेंज होगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस था माइनस और ये माइनस था ये प्लस हो जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पे भी प्लस का साइन है इसके साथ, प्लस माइनस माइनस, साइन जो है और एक्शन जो है हम क्या परफॉर्म करेंगे,
जब प्लस माइनस माइनस बन रहा है तो एक्शन हम माइनस का परफॉर्म करेंगे, माइनस परफॉर्म करते हुए वेरिएबल एज इट इज वन टाइम आ जाता है जस्ट, और जो कोफिशंट्स होते हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो 5 में से 4 माइनस करते हैं 1, और साइन हमेशा बड़ी वैल्यू को आता है, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है, तो यहां पे हम लिख देंगे प्लस। प्लस का 3x और प्लस का 5x था, लेकिन प्लस का साइन ये वाला चेंज हो गया तो माइनस का 5x बन गया। प्लस माइनस माइनस एक्शन जो है हम माइनस का परफॉर्म करते हैं। 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2x, प्लस माइनस माइनस की वजह से माइनस किया है तो जो साइन बड़ी वैल्यू के साथ होगा वो साइन इसके साथ आएगा, यहां पे आ जाएगा माइनस का 2x। प्लस माइनस माइनस 14 में से 2 माइनस किए 12, साइन जो आएगा हमारे पास बड़ी वैल्यू को आएगा, बड़ी वैल्यू के साइन साथ यहां पे प्लस है तो यहां पे आ गया प्लस। ये है हमारा आंसर। अब सेकंड मेथड करते हैं परफॉर्म इसके लिए। मेथड 2 इसके अकॉर्डिंग आपके पास आ जाएगा 5x² प्लस 3x माइनस 2, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम इसमें से 4x² प्लस का 5x माइनस का 14। इसको हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे इसके लिए, 5x² प्लस का 3x माइनस 2। जब माइनस आ जाए तो माइनस भी अंदर मल्टीप्लाई होती है, तो माइनस प्लस माइनस का 4x² माइनस प्लस माइनस का 5x माइनस माइनस प्लस का 14। अब देखिए यहां पे ये वाला माइनस जो है ये अंदर इन सभी साइन के साथ जब माइनस हुआ तो ये साइन चेंज हो गए, इसीलिए हमने इन साइंस को चेंज किया है हमारा जो ये वाला साइन है माइनस माइनस और प्लस में। उम्मीद है कि अब आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब क्या करना है, हमने लाइक टर्म्स को एक साथ लिख लेना, 5x² को 4x² के साथ, तो यहां पे 5x² माइनस का 4x² आ जाएगा, प्लस का 3x माइनस का 5x प्लस का 3x माइनस का 5x माइनस का 2 और प्लस का 14, माइनस का 2 एंड प्लस का 14। अब सॉल्व करते हैं जी, प्लस माइनस माइनस 5 माइनस 4 इक्वल्स 1x², प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का, 5 माइनस 3 इक्वल्स 2x, प्लस माइनस माइनस 14 माइनस 2 इक्वल्स 12। आंसर आपका दोनों कंडीशंस में दोनों मेथड्स में सेम है। तो यहां पे हमने रिजल्टेंट के तौर पे यहां पे हमने ये देखा है जिसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, जैसे हमने एडिशन में किया था, कोफिशिएंट्स सब्ट्रैक्ट्स फ्रॉम कोफिशिएंट्स कॉन्स्टेंट्स सब्ट्रैक्ट्स फ्रॉम अब हम ये देखेंगे कि हम पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं, आपके पास है 4x, मल्टीप्लाई करना है हमने इसको 3x के साथ। अब अगर आप देखें तो ये भी सिंगल टर्म वाला पॉलिनोमियल है और ये भी सिंगल टर्म वाला पॉलिनोमियल, जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ और x को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ। अगर देखें तो यहां पे भी x की पावर 1 है, इधर भी x की पावर 1 है। तो यहां पे आपके पास जो समझने वाली बात है वो ये है, इंपॉर्टेंट जो याद करने वाला नोट है और मल्टीप्लीकेशन वो ये है, कोफिशिएंट्स मल्टीप्लाई विद कोफिशिएंट्स वेरिएबल्स
मल्टीप्लाई विद वेरिएबल्स। तो यहां पे क्या होगा, 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 12, और x की पावर 1 और x की पावर 1 हमने पढ़ा था प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ में ये था कि अगर a की पावर m मल्टीप्लाई हो रही है a की पावर n के साथ तो a की पावर m प्लस n हो जाता है। इसमें अगर हम n को भी m कर दें, यानी कि a की पावर m a की पावर m ही या हो इधर भी, तो a की पावर m प्लस m हो सकता है। तो सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग यहां पे x की पावर 1 प्लस 1 हो जाएगा, तो यहां पे हमारे पास क्या वैल्यू बनेगी, 12 x की पावर 1 प्लस 1 इक्वल्स 2। ये है आपका जब आप दो पॉलिनोमियल्स को जिनकी सिंगल टर्म्स हो उनको कैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखते हैं अगर सिंगल पॉलिनोमियल को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं डबल पॉलिनोमियल के साथ, 4x को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3x प्लस 1 के साथ, तो क्या होगा, आपने पहले इस पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, तो 4x मल्टीप्लाई बाय 3x, ये वाला प्लस इसके प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस, उसके बाद 4x को आप फिर आप 4x को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड टर्म के साथ, तो यहां पे आ जाएगा 4x मल्टीप्लाई बाय 1। तो 4x और 3x को मल्टीप्लाई करेंगे जैसे पहली एग्जांपल में हमने किया, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, x को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ प्लस, इधर आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 1 और x हमारा एज इट इज आ जाएगा। 4 3 इज 12, अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट लॉ यहां पे दोनों की पावर्स 1 है, ऐड हो जाएंगी, x की पावर 2 बन जाएगा प्लस 4 1 इज 1 एंड x, तो हमारे पास आंसर आएगा 12 x स्क्वायर प्लस 4 x। इसके अलावा अब हम देखते हैं अगर डबल टर्म आपके पास मल्टीप्लाई हो रही है, फॉर एग्जांपल यहां पे आ रहा है 5 x प्लस 1, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 2x प्लस 2 के साथ, तो कैसे करेंगे, पहले आपने इस टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट और सेकंड, 5x मल्टीप्लाई बाय 2x, इसके साथ भी प्लस और इसके साथ भी प्लस, प्लस 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 5x मल्टीप्लाई बाय 2। इसको अगर मैं यहां ब्रैकेट में क्लोज कर दूं ताकि आपको याद करने में आसानी रहे, समझने में आसानी रहे, उसके बाद आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है इसको, ये जो 1 है अब इसको मैं यहां से रेज कर देता हूं, इसको मल्टीप्लाई हमने पहले इससे करना है और फिर इससे करना है, तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा ये वाला प्लस, इधर प्लस को इसके साथ मल्टीप्लाई किया प्लस 1 को 2x के साथ, और फिर प्लस 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 1 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, तो यहां पे 5 2 जा 10 और x का स्क्वायर बन जाएगी दोनों मल्टीप्लाई होके प्लस 5 2 जा 10 एंड x प्लस 1 2 जा 2 एंड x प्लस 2 1 जा 2, ये आपके पास वैल्यू होगी। अब यहां पे जो लाइक टर्म्स है उनको ऐड करेंगे, 10x स्क्वायर प्लस 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 10 एंड 2 12x एंड प्लस 2, ये आपका फाइनल आंसर है। इसी तरीके से जब आप तीन टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आप वन बाय वन उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं इजीली सेम मेथड को यूज करके। अब हम देखेंगे कि हम किस तरीके से पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करते हैं। पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करने के लिए आपके पास दो मेथड्स हैं, दो मेथड जो हैं वो, पहला है लॉन्ग डिवीजन मेथड, दूसरा है सिंथेटिक डिवीजन मेथड। हम इन दोनों मेथड्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे।
पहले हम देखते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या है। फर्स्ट एग्जांपल है इसके लिए, आपने डिवाइड करना है 10x को 5 पे, तो आप कैसे डिवाइड करेंगे? इसके लिए सिंपली अगर आप ऐसे भी डिवाइड करें 10x डिवाइडेड बाय 5, तो जो कोफिशिएंट होगा वही कोफिशिएंट पे या कांस्टेंट पे डिवाइड होगा, और बाकी वेरिएबल जो है वो वेरिएबल पे डिवाइड होते हैं। यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो समझने वाला प्रोसेस है वो ये है, डिजिट डिवाइड होता डिजिट पे, और वेरिएबल डिवाइड होता है वेरिएबल पे। तो यहां पे डिजिट जो है, यहां पे 10 डिवाइडेड बाय 5, वेरिएबल कोई नहीं डिवाइड हो रहा तो x ही आ जाएगा, वैसे ही 5 टू आ जाएगा 10 और x साथ आंसर आ जाएगा। ये है आंसर आपका 10x डिवाइडेड बाय 5 का। अगर हम इसको दूसरे मेथड से करें, लॉन्ग डिवीजन वाला मेथड जिसको हम बोलते हैं, वो है 10x अंदर रखा, 5 पे डिवाइड किया। अब 5 पे डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, 10 को बनाने के लिए हम 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 बन जाएगा, x को बनाने के लिए इस नंबर को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 टू जा 10 के साथ यहाँ पे x भी बन जाएगा, रिमाइंडर कुछ भी नहीं, तो ये 2x इसका आंसर हो जाएगा, 10 ओवर 5x इक्वल्स 2x। ये आपका लॉन्ग डिवीजन के जरिए मेथड है। लेकिन अब हम एक पॉलिनोमियल लिख के देखते हैं जिसमें हायर डिग्री वाली वैल्यूज हों, तो उसके लिए हम किन किन स्टेप्स को फॉलो करते हैं डिवाइड करने के लिए। एग्जांपल है हमारे पास 5x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 6 डिवाइड करना है हमने इसको x स्क्वायर प्लस 1 पे, तो डिवाइड करने के लिए हम डिवाइडेंड को अंदर लिख लेंगे, 5x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर 2x प्लस का 6 डिवाइड कर रहे हैं हम इसको एक्स स्क्वायर प्लस 1 पे। हमने पहले इस टर्म को और इस टर्म को चेक करना है, बाकी टर्म्स को हमने इग्नोर करते हुए हमने देखना है कि हम इसको कैसे मल्टीप्लाई करके इस वैल्यू को इक्वल रखते हैं। जैसे हम नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो क्या करते हैं, इस नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं किस ऐसे नंबर के साथ कि हमारा डिवाइडेंड जो है उसके इक्वल आंसर आ जाए। 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया 12। इसी तरीके से हम इस एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे किसी ऐसे नंबर के साथ जो कि हमारा आंसर में जो टर्म है वो 5x क्यूब बना दे। एक्स स्क्वायर है, एक्स नहीं है तो इधर एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 नहीं है तो इधर 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5x और एक्स स्क्वायर मिलकर 5x क्यूब बना देंगे। लेकिन याद रहे कि ये वाला जो 5x है जस्ट एक्स स्क्वायर के साथ ही नहीं मल्टीप्लाई होगा, बल्कि पूरी जो डिवाइजर में जो पॉलिनोमियल की तमाम टर्म्स हैं उनके साथ डिवाइड होगा, तो यहाँ पे प्लस 1 के साथ भी डिवाइड होगा, तो आंसर में यहाँ पे प्लस का 5x भी आएगा। सो 5x के साथ जब हमने मल्टीप्लाई किया आंसर आ गया हमारे पास पहले 5x क्यूब और उसके बाद हमारे पास प्लस का 5x है, लेकिन यहाँ पे x की पावर 1 है, हमने जहाँ पे x की पावर 1 होगी उसके नीचे इसको लिखना है, माइनस का 2x है, यहाँ पे हम इसके नीचे लिख देंगे प्लस का 5x, नीचे लगाएंगे थोड़ा डिस्टेंस छोड़ के एक लाइन, उसके बाद माइनस करते होते हैं हम टर्म्स को, जैसे यहाँ पे माइनस किया तो ये वैल्यूज कट के रिमाइंडर 0 आ गया, इसी तरीके से हम यहाँ पे भी माइनस करते हैं, यहाँ पे है प्लस, इसको जब हमने चेंज किया यहाँ बन गया माइनस, इधर भी है प्लस, जब हमने इसको चेंज किया माइनस बन गया, इसके साथ भी प्लस का साइन है। अब इसको हम ये वाला साइन नहीं कंसिडर करेंगे, जो चेंज्ड साइन है उसको कंसिडर करेंगे, ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस कैंसिल आउट, इस वैल्यू को एज इट इज नीचे उतार लेंगे, 6x स्क्वायर प्लस के साथ, माइनस माइनस प्लस, साइन लगाएंगे माइनस का,
और ऐड हम करेंगे तो 5 और 2 7x, और प्लस का 6 भी हम एज इट इज नीचे उतार लेंगे। नीचे उतारने के बाद अब हम देखेंगे कि हम इसको किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि ये वाली वैल्यू जो है हमारे पास इसके इक्वल बन जाए। तो एक्स स्क्वायर है, हमें 6 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस का 6 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस प्लस होने की वजह से प्लस का 6 और एक्स स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, इसी के साथ प्लस का 6 आ जाएगा, प्लस 1 और प्लस 6 को मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 6 आ गया हमारे पास। साइन चेंज, माइनस और माइनस, यहां पे प्लस माइनस माइनस ये कैंसिल आउट, प्लस माइनस 6 कैंसिल आउट, ये वाली टर्म हमारे पास एज इट इज नेगेटिव का 7x नीचे आ जाएगी। अब देखें तो हमारे पास जो डिवाइजर है उसकी डिग्री हाई है और डिवाइडेंड जो बच गया है हमारे पास इसकी डिग्री लो है। तो यहां पे हमारे पास ये जो वैल्यू होगी ये आ जाएगी क्वोशेंट, ये रिमाइंडर, ये हमारे पास डिवाइजर है, ये वैल्यू हमारे पास डिवाइडेंड है। तो हम इसका आंसर सॉल्यूशन सेट में कैसे लिखेंगे, हमारे पास सॉल्यूशन सेट आएगा, ये हमारे पास इक्वल होगा 5x प्लस 6 कोशेंट। इसकी मैं जनरल फॉर्म पहले लिखता हूं आंसर की, जनरल फॉर्म जो है आंसर लिखने की वो ये है, डिवाइडेंड डिवाइजर बाय डिवाइडेड बाय डिवाइजर इज इक्वल टू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइजर। अगर तो आपका रिमाइंडर जीरो है तो ये रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइजर लिखने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर जस्ट एज अ क्वोशेंट फॉर्म आएगा। लेकिन अगर क्वोशेंट के साथ साथ आपका रिमाइंडर भी है तो रिमाइंडर बाय डिवाइजर भी लिखना है। यहां पे इसके अकॉर्डिंग जो जनरल फॉर्म है उसके अकॉर्डिंग आंसर आ गया 5x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 6 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू आएगा हमारे पास 5x प्लस 6 प्लस माइनस का 7x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1। ये हमारा क्वोशेंट है, ये रिमाइंडर है डिवाइडेड बाय डिवाइजर। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, 5x प्लस 6 माइनस 7x रिमाइंडर, ये हमारा डिवाइजर है और ये हमारा डिवाइडेंड है। इस तरीके से हम लॉन्ग डिवीजन का मेथड यूज करके हम पॉलिनोमियल्स को डिवाइड कर सकते हैं। का सेकंड मेथड सिंथेटिक डिवीजन मेथड को देखेंगे, और सिंथेटिक डिवीजन मेथड कब हम किस वक्त परफॉर्म कर सकते हैं, उसके लिए आपके पास जो डिवाइजर है उसकी डिग्री 1 होना जरूरी है। मतलब कि आपके डिवाइजर जो होगा जब वो लीनियर होगा तो आप उस डिवाइजर को सिंथेटिक डिवीजन के अकॉर्डिंग यूज करते हुए जो आपका पॉलिनोमियल होगा डिवाइडेंड में उसको आप डिवाइड कर सकते हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पे ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है 4x की पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। यहाँ तक आपके पास ये जो वैल्यूज़ हैं इसमें डिवाइडेंड जो है x की पावर 4 है, लेकिन डिवाइजर जो है वो है x की पावर 1। इसका मतलब डिवाइजर लीनियर हो गया है, तो लीनियर होने की वजह से यहाँ पे आप सिंथेटिक डिवीजन मेथड यूज़ कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग आपने सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट स्टेप टू सॉल्व बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन मेथड, आपने डिवाइडेंड को डिसेंडिंग ऑर्डर में अकॉर्डिंग टू वेरिएबल्स पार आपने उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए जो जो वैल्यूज आपके मौजूद हैं पॉलिनोमियल की वो आपने एज इट इज लिख लेनी है। 4x की पावर 4 है, अब डिसेंडिंग ऑर्डर में जाते हुए 4 के बाद x की पावर 3 आनी चाहिए, x की पावर 3 जो है इस पॉलिनोमियल में मौजूद नहीं है, तो आप अपनी तरफ से प्लस का 0 x की पावर 3 ऐड कर देंगे। उसके बाद 5x स्क्वायर है, प्लस का 5x स्क्वायर, उसके बाद स्क्वायर के बाद आपके पास x की पावर 1 नहीं है,
फिर आप प्लस का 0 x की पावर 1 जो है ऐड कर देंगे एंड लास्ट इज प्लस 7 और डिवाइडेंड जो है ये कंप्लीट हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब नीचे लिख देंगे डिवाइजर। अब ये वैल्यूज 0 के साथ क्यों लिखी है, 0 के साथ इनको मल्टीप्लाई करके लिखने का मकसद ये है कि जब कोई भी आपके पास वेरिएबल उसको हम 0 के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं तो 0 जो है मल्टीप्लाई होते ही आंसर 0 कर देता है। तो उस 0 की वजह से आपका इन पॉलिनोमियल की जो ओरिजिनल टर्म्स हैं उस पे कोई फर्क नहीं पड़ता और आंसर जो है आपके पास जो ओरिजिनल पॉलिनोमियल है वही आ जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग 4x की पावर 4 प्लस 0x की पावर 3 प्लस 5x की पावर 2 प्लस 0x की पावर 1 प्लस 7 जो है ये आपका डिवाइडेंड है एंड x माइनस 2 इज योर डिवाइजर। उसके बाद आपने क्या करना है, आपके पास x की वैल्यू यहां से आपने फाइंड करनी है डिवाइजर से, तो आपने x माइनस 2 इसको इक्वल रख लेना है 0 के। तो इससे हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव 2। कैसे, हम जब नेगेटिव 2 है इसको ऑपोजिट साइड पे लेके जाएंगे या हम दोनों साइड पे ये नेगेटिव 2 को हम अंडू करेंगे तो आपके पास x की 2 आ जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, जो डिवाइडेंड है उसके कोफिशियंट्स को ऐसे लाइन लगा के पहले लिख लेना है। 4x की पावर 4 है तो पहला कोफिशियंट x की पावर 4 का 4, x की पावर 3 का 0, x की पावर 2 का 5, x की पावर 1 का 0 एंड कांस्टेंट इज इक्वल टू 7। ये जो वैल्यू आई है आपने इसको यहां पे लिख लेना है x की वैल्यू को। उसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इस वैल्यू को जो 4 है इसको एज इट इज नीचे उतार लेना है लाइन के बिल्कुल नीचे। उसके बाद फर्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, इस 2 को मल्टीप्लाई करना है इस 4 के साथ, ये आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल्स आ गया 8। जो आंसर 8 आया उसको आपने सेकंड टर्म के बिल्कुल नीचे लिख देना, ये आ गया मेरे पास 8 पॉजिटिव के साथ और ये भी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो 8 में 0 प्लस किया 8। उसके बाद आपने सेकंड क्या काम करना है, इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूं जी, यहां से ब्लू कर देता हूं। आपने इस 2 को मल्टीप्लाई करना है इस 8 के साथ, 2 को 8 के साथ मल्टीप्लाई किया 16, इस आंसर को यहां पे लिख देना है पॉजिटिव का 16, ये पॉजिटिव का और ये पॉजिटिव का प्लस 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 16 में 5 ऐड किए तो 21 आ गया। उसके बाद आपने क्या करना है, इस 2 को मल्टीप्लाई करना है आपने 21 के साथ, 21 के साथ मल्टीप्लाई करके इधर लिख देना है। 21 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो पॉजिटिव का बन गया मेरे पास 42। 42 में 0 ऐड किए 42। उसके बाद आपने इस 2 को मल्टीप्लाई करना है इस 42 के साथ, 42 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आ गया 84 पॉजिटिव का, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव प्लस प्लस प्लस, यहां पे मेरे पास आ गया प्लस का 91। ये हमारे पास सॉल्व हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने ये राइट साइड पे जो सबसे फर्स्ट डिजिट है उसको हाईलाइट कर देना है, ये हमारे पास आ जाएगा रिमाइंडर। उसके बाद अगर आप यहां पे देखें तो हमारे पास डिवाइडेंड में एक्स की पावर थी 4, डिवाइजर में x की पावर है 1, इनको जब हम डिवाइड करेंगे तो x की पावर 4 माइनस 1 इक्वल्स x की पावर 3, ये x की पावर 3 का कोफिशियंट बन जाएगा ये वाला नंबर जो आपके पास सबसे पहले आया, इसको लिख देंगे 4x की पावर 3। तो फिर बाकी के तमाम कोफिशियंट जो होंगे इससे डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएंगे, 4x की पावर 3 प्लस का 8x स्क्वायर प्लस का 21x प्लस का 42 और यहां तक ये x की पावर 0 आ गई और बाकी यहां पे ये जो वैल्यू होगी ये होगी आपकी रिमाइंडर। ये है आपका क्वेश्चन।
और रिमाइंडर है आपका इसमें 91। ये आपका मेथड है सॉल्व करने का सिंथेटिक डिवीजन के अकॉर्डिंग। एक और एग्जांपल देखते हैं जी, जिसमें है हमारे पास 2x³ - x² प्लस का 3x - 1 डिवाइड करना है हमने x - 3 पे। क्या आंसर आता है जी, देखते हैं। सबसे पहले आपने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में देख लेना है, x³, 3, 2, 1 और 0। ओके, 2x³ - x² प्लस 3x - 1 डिवाइडेड बाय x - 3। यहाँ पे आपके पास x - 3 = 0 और x की वैल्यू आ गई मेरे पास 3। उसके बाद हमने क्या करना होता है, उसके बाद हमने कोफिशेंट्स लिखने हैं लाइन लगा के, x³ - 2, x² - 1, x+3 एंड यहाँ पे -1 डिवाइड कर रहा है हमने इसको। ये जो वैल्यू आई है x = 3, इस पे फर्स्ट डिजिट मेरे पास एज इट इज नीचे आ जाएगा। इसको 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 6 पॉजिटिव का, प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का, 6 - 1 = 5, 3 5s are 15 प्लस का 15 और प्लस 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 15 + 3 = 18, 18 3s are 18 × 3 = 54 और वो भी प्लस का, प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का प्लस, 54 - 1 = 53। अब यहाँ पे x³ है, नीचे है x^1, तो मेरे पास आ जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ला x³ - 1 = x^2। ये x^2 वेरिएबल होगा फर्स्ट कोफिशिएंट का और कोफिशिएंट होगा 2, तो क्वेश्चन मेरे पास आ गया 2x² + 5x + 18 और ये मेरे पास आ गया रिमाइंडर। आंसर आ गया जी इक्वल्स टू, क्वेश्चन क्या है हमारा, 2x² + 5x + 18 + 53 डिवाइडेड बाय x - 3। ये भी आपका मेथड हो सकता है आंसर लिखने का। सो ये है हमारा सिंथेटिक डिवीजन वाला मेथड, और इससे हम पिछले लेक्चर में हम देख चुके हैं कि लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या है। अब हम देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है पहले ये देखते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ऐसा पॉलिनोमियल या ऐसी इक्वेशन होती है जिसकी वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री जो होती है वो 2 होती है। हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 2। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल है जिसकी जनरल फॉर्म कुछ इस तरीके से है, ax² + bx + c, तो इसकी वेरिएबल जो है x है और x की हाईएस्ट पावर 2 है, इट मींस ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और अगर ये आपके पास ax² + bx + c = 0 हो तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब ये है हमारे पास जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, तो इसके लिए हम देखते हैं मेथड्स ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के फॉलोइंग 4 मेथड्स हैं। सबसे फर्स्ट मेथड जो है वो है हमारे पास फैक्टराइजेशन।
सेकेंड मेथड इज बाय टेकिंग स्क्वायर रूट थर्ड मेथड इज बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड द फोर्थ मेथड इज बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। हम वन बाय वन इन मेथड्स को यूज़ करेंगे और देखेंगे कि हम किस तरीके से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। सबसे फर्स्ट मेथड जो है वो हम यूज़ करेंगे, दैट इज फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन क्या चीज़ है जी? फैक्टराइजेशन अगर हम वर्ड से देखें तो इसका मतलब है फैक्टर्स बनाना, यानी कि किसी भी नंबर को कन्वर्टिंग एनी नंबर इंटू इट्स फैक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास सिक्स है तो सिक्स को हम इसके फैक्टर्स के दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो सिक्स आए, वो थ्री और टू और सिक्स और वन है, तो इसमें कन्वर्ट करना ये हमारा क्या कहलाएगा? फैक्टराइजेशन। इसके अलावा टेन है तो टेन के लिए टू और फाइव और टेन वन ज़ार टेन। इसके अलावा हमारे पास ट्वेल्व अगर देख लें तो ये है टू सिक्स ज़ार ट्वेल्व, थ्री फोर ज़ार ट्वेल्व और ट्वेल्व वन ज़ार ट्वेल्व। तो ये हैं कुछ एग्जांपल्स आपकी फैक्टर्स बनाने की। अब हम देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम किस तरीके से फैक्टराइजेशन के मेथड को यूज़ करते हुए सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स इक्वल ज़ीरो। अब आपने क्या करना है, आपने सिंपली इस सिक्स को और इस फाइव को देखना है और दो नंबर्स ये फाइव और सिक्स जो है आपने सेपरेटली लिख लेनी है। ये फाइव जो है ये वेरिएबल ऑफ एक्स है और सिक्स ये कॉन्स्टेंट है। अब आपने दो नंबर्स जो हैं ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं सिक्स के, दो नंबर्स ऐसे देखने हैं सिक्स के लिए जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो सिक्स बने, यानी कि थ्री और टू को मल्टीप्लाई करते हैं तो सिक्स बनता है और सिक्स और वन को मल्टीप्लाई करते हैं तो सिक्स बनता है। लेकिन हम उन्हीं दो नंबर्स को जिनको मल्टीप्लाई करें और अगर हम उन दोनों नंबर्स को ऐड करें तो हमारा ये वेरिएबल का जो एक्स वेरिएबल का कोफिशिएंट फाइव है वो आंसर बने। तो यहाँ पे अगर मैं थ्री को टू में ऐड करता हूँ तो फाइव बनता है और अगर मैं सिक्स को वन में ऐड करता हूँ तो सेवन बनता है। इट मीन्स ये वाला पेयर जो है ये हमारा सेटिस्फाई नहीं करता फैक्टर्स को। थ्री और टू को मल्टीप्लाई करें तो सिक्स ओके, थ्री और टू को ऐड करें तो फाइव ओके, इट मीन्स ये हमारा पेयर ठीक रहेगा। हम क्या करेंगे, इस 5x को ब्रेक डाउन कर देंगे 3x प्लस 2x में, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2x और ये प्लस 6 एज इट इज आ जाएगा इक्वल टू जीरो। इन दोनों में से अब कॉमन लेंगे और इन दोनों में से कॉमन लेंगे, इन दोनों में से कॉमन आ गया x इंटू एक्स प्लस 3, ये वाला प्लस एज इट इज, इन दोनों में से कॉमन आ गया क्योंकि 6 जो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 होता है तो 2 और इसका और ये 2, इन दोनों में से कॉमन आ गया, इधर बच गया मेरे पास x प्लस 2 3 ज़ार 6 3 इक्वल जीरो। यहां पे x प्लस 2 x प्लस 3 इक्वल्स जीरो। अब ये आ गए हमारे पास दो पेयर्स। अब या तो हमारे पास दो अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं नंबर्स तो इक्वल आए जीरो के, इसका मतलब या तो x प्लस 2 इक्वल जीरो होगा या हमारे पास x प्लस 3 इक्वल जीरो होगा। अब इधर से x की वैल्यू फाइंड करनी है तो यहां पे जो वेरिएबल है इसका हम अंडू कर देंगे प्रोसेस। अंडू करने के लिए जो इस नंबर का इन्वर्स होता है उसको हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, यानी कि यहाँ पे प्लस टू है, इधर माइनस टू और इधर भी माइनस टू, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल आउट, इधर आ गया एक्स और जीरो माइनस टू, इट मीन्स यहाँ पे आ गई वैल्यू माइनस टू, इधर हम कर देंगे माइनस थ्री और इधर भी माइनस थ्री, ये कट गए और एक्स की वैल्यू यहाँ पे आ गई माइनस थ्री। इसका मतलब या तो एक्स माइनस थ्री होगा या एक्स माइनस टू होगा। अब हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर
प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स 0। अब वन बाय वन चेक करते हैं, अगर दोनों इक्वेशन की साइड जो है वो इक्वल आ गई, इट मींस वो वैल्यू जो है x की वो सेटिस्फाई करती होगी हमारे इस जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको, तो वो हमारी वैल्यू सॉल्यूशन सेट का पार्ट होगी। तो सबसे पहले मैं पुट करता हूँ x इक्वल्स माइनस 2, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम माइनस 2 लिख देंगे, माइनस 2 का स्क्वेयर प्लस 5 इंटू माइनस 2 प्लस 6 इक्वल 0, माइनस 2 का स्क्वेयर पॉजिटिव 4 प्लस माइनस माइनस 5 टू जो 10 एंड प्लस 6 इक्वल 0, प्लस 6 एंड प्लस 4 इक्वल्स प्लस 10 माइनस 10 इक्वल 0 और 10 माइनस 10 इक्वल 0 इक्वल 0, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, सो x इक्वल टू जो है वो सॉल्यूशन सेट का पार्ट है। अब हम यहाँ पे एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल 0, इसमें x की वैल्यू माइनस 3 पुट करते हैं, तो माइनस 3 का स्क्वेयर प्लस 5 इंटू माइनस 3 प्लस 6 इक्वल 0, 3 स्क्वेयर माइनस 3 स्क्वेयर इक्वल्स 9 प्लस माइनस माइनस 5 3 आर 15 प्लस 6 इक्वल 0, प्लस 6 एंड प्लस 9 प्लस का 15 एंड दिस वन इज माइनस 15 इक्वल 0, प्लस माइनस माइनस 15 माइनस 15 इक्वल 0 इक्वल्स 0, इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट्स वाई ये दोनों वैल्यूज जो हैं हमारी सॉल्यूशन सेट का हिस्सा हैं। सो सॉल्यूशन सेट क्या आएगा हमारा, माइनस 2 एंड माइनस 3, एक्स की दोनों वैल्यूज जो हैं ये हमारी सॉल्यूशन सेट का पार्ट है। अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 2 होती है, इसका मतलब ये है कि जो आंसर आएंगे आपके वो दो रियल नंबर्स ही होंगे। अब यहाँ पे दो रियल नंबर्स माइनस 2 और माइनस 3 है, इट मीन्स ये जो है हमारा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड जो है जिसके ज़रिए से हमने एक्स की वैल्यूज़ को फाइंड किया है, ये दोनों हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं, जहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आई हैं, दैट्स वाई ये दोनों वैल्यूज़ हमारी सॉल्यूशन सेट में इंक्लूड है। अब सेकंड मेथड है जी सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय टेकिंग स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट के ज़रिए से हम जो है सॉल्व करेंगे, किस तरीके से हम इक्वेशन को सॉल्व करके फाइंड आउट करते हैं उसका जो सॉल्यूशन सेट है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन सेट है। उसके लिए हमारे पास जो जनरल फॉर्म है स्क्वायर रूट के ज़रिए से जो हम सॉल्व कर सकते हैं, उसके लिए जनरल फॉर्म है हमारे पास ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू सी, यानी कि जो हमारे पास जनरल फॉर्म है ना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें से अगर ए एक्स प्लस बी इसका स्क्वायर इक्वल टू सी होगा, देन यू कैन यूज द टेकिंग स्क्वायर रूट मेथड। तो उसके लिए हम एग्जांपल देखते हैं, आपके पास एक एग्जांपल है 5x प्लस 1 इसका स्क्वायर इक्वल्स 125। हाउ यू कैन सॉल्व दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसको जनरल फॉर्म जो कि ये है हमारे पास जनरल फॉर्म, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। उसके लिए हम इस नंबर को जो 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इसको हम डिवाइड कर देंगे ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन, तो हमारे पास क्या आएगा 5x प्लस 1 होल स्क्वायर ओवर 5 125 ओवर 5, दिस 5 विल कट विद दिस एंड व्हेन वी डिवाइड 125 बाय 5 वी गेट 25। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया 25। एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब हम देखेंगे कि हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं, तो बाय टेकिंग स्क्वायर रूट वी हैव, हमारे पास क्या आ जाता है x प्लस 1 इसका स्क्वायर इक्वल्स 25 का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों आपस में कट जाएंगे, क्योंकि स्क्वायर जो होती है पावर ये इक्वल होता है
एक्स की पावर 1 ओवर 2 के, ठीक है। तो ये 1 ओवर 2 और ये स्क्वेयर पावर दोनों आपस में कट गए और x प्लस 1 आ गया और ये 25 आ गया हमारे पास प्लस माइनस 5 के। अब या तो हमारे पास x प्लस 1 5 के इक्वल हो सकता है या x प्लस 1 जो है वो नेगेटिव 5 के इक्वल हो सकता है। दोनों को सॉल्व करते हैं। x प्लस 1 इक्वल्स 5 है तो यहाँ पे प्लस 5 इधर जाएगा तो 5 माइनस 1 हो जाएगा, x आ जाएगा मेरे पास 5 माइनस 1 इक्वल्स 4, इधर माइनस 5 माइनस प्लस 1 है इधर जाके माइनस 1, तो x की वैल्यू आ गई माइनस 6। अब x के ये दो सॉल्यूशंस आ गए। अब इन दोनों को हम 1 by 1 इस इक्वेशन में पुट करके चेक करते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है। 5 x प्लस 1 स्क्वेयर इक्वल्स 125। अब हम क्या करते हैं जी, पहले पुट करते हैं x इक्वल्स 4, 5 × 4 + 1 होल स्क्वेयर इक्वल्स 125, 5 × 4 + 1 5 इसका स्क्वेयर इक्वल्स 125, 5 का स्क्वेयर 25 इक्वल्स 125, 25 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल्स 125 एंड दिस वन इज इक्वल टू 125। सो द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो x इक्वल्स 4 इज द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन सेट। अब हम पुट करते हैं x इक्वल्स माइनस 6, 5 x प्लस 1 इसका स्क्वायर इक्वल्स 125, 5 × −6 + 1 इसका स्क्वायर इक्वल्स 125, 5 − 6 + 1 इक्वल्स माइनस प्लस माइनस 5 इसका स्क्वायर इक्वल्स 125, 5 × 5² 25 इक्वल्स 125 एंड 25 × 5 = 125 इक्वल्स 125। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इट मीन्स x इक्वल्स नेगेटिव 6 इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन सेट। हमारे पास सॉल्यूशन सेट में कितनी वैल्यूज आ गई, दो वैल्यूज सॉल्यूशन सेट हमारे पास आ गया 4 एंड माइनस 6। ये वो मेथड है जिसके जरिए से हम बाय टेकिंग स्क्वेयर रूट जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं उनको सॉल्व करते हैं। अब हम देखेंगे कि हम किस तरीके से कंप्लीटिंग स्क्वेयर मेथड के जरिए से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, लेकिन इसको समझने से पहले हमारे पास दो स्क्वेयर्स के फार्मूलाज हैं उनको समझना जरूरी है। लेट्स सपोज दो नंबर्स हैं ए और बी, अगर इन दोनों का प्लस का स्क्वेयर अगर हम होल स्क्वेयर कर दें तो ये फार्मूला हमारे पास इक्वल होता है ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर, और अगर हम a माइनस बी इसका होल का स्क्वेयर कर दें तो हमारे पास आता है ए स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। ये दो बेसिक फार्मूलाज हैं हमारे, अगर a प्लस बी हो तो उसका फार्मूला क्या है और अगर a माइनस बी का होल स्क्वेयर हो तो ये फार्मूला क्या है। कंप्लीटिंग स्क्वेयर मेथड को यूज़ करके हमने इन दोनों में से कोई एक जो है स्क्वेयर कंप्लीट करना है उसके ज़रिए से हम कैसे सॉल्व करते हैं, हम देखते हैं जी। हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वेयर मेथड के लिए क्या जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि कंप्लीटिंग स्क्वेयर मेथड के लिए वो है आपके पास ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स इक्वल्स टू सी। आपने जनरल फॉर्म में पहले आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होगी उसको इस जनरल फॉर्म में लेके आना है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो वैसे जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है हमारे पास ए एक्स स्क्वेयर प्लस का बी एक्स प्लस सी इक्वल्स जीरो। हमने इस सी को, ये जो कांस्टेंट टर्म होगी, इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट करके इसको इस फॉर्म में लेके आना है। साइन मैटर नहीं करता, साइन जो होगा वो तो हमारी जो रिस्पेक्टिव इक्वेशन है उसमें जो साइन मौजूद है उसके अकॉर्डिंग जो साइन होगा वही अप्लाई किया जाएगा, बाकी जनरल फॉर्म जो होगी वो इस तरीके से हम बनाएंगे। एग्जाम्पल है जी मेरे पास एक्स स्क्वेयर माइनस 10x माइनस 39 इक्वल्स जीरो। इसको हमने पहले जनरल फॉर्म में चेंज करना जो है कंप्लीटिंग स्क्वेयर के लिए,
वो है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स इक्वल सी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वेयर माइनस टेन एक्स। अब ये माइनस 39 है, ये हम इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा इक्वल्स प्लस का 39। अब क्या करना है, अब हमने इसको, अब ये देखें एक्स स्क्वेयर माइनस टेन है, माइनस टेन आ रहा है, तो हम माइनस वाला फार्मूला कंप्लीट करेंगे, दैट इज ए माइनस बी का होल स्क्वेयर इक्वल्स ए स्क्वेयर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वेयर। तो उसके लिए इसको अगर मैं ए स्क्वेयर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वेयर इधर लिख लूँ और इसको मैं अब कंप्लीट करूँ, तो ये ए है इसलिए एक्स स्क्वेयर को मैं एक्स इधर लिख दूँ और ये स्क्वेयर आ जाता है। फार्मूला के अकॉर्डिंग माइनस का टू और एक्स ए की जगह पे आ गया और बी की जगह पे अब हमने वैल्यू पुट करनी है। तो बी की जगह पे वैल्यू पुट करने के लिए हमने देखना है, यहाँ पे टेन है, टू भी आ गया और एक्स भी आ गया, यहाँ पे टेन एक्स है सॉरी, यहाँ पे टेन एक्स है, यहाँ पे टू भी आ गया और एक्स भी आ गया। इन दो नंबर्स के साथ हम किस नंबर को मल्टीप्लाई करें कि हमारा टेन एक्स बन जाए, तो वो है मेरे पास फाइव। तो जो हमारे पास बी में वैल्यू आ गई, इसका मतलब फाइव टू ज़ा टेन और एक्स बन गया। अब ये बी की वैल्यू का ही स्केयर होता है, तो यहाँ पे भी वही स्केयर लगेगा, फाइव का स्केयर। अब हमने इसको ऐड किया है फाइव स्केयर को अपनी तरफ से, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक जो ये वाली वैल्यू, ये तो सेम है हमारे पास एक्स स्केयर माइनस टेन एक्स, हमने इसको ब्रेक डाउन किया डिफरेंट पार्ट्स में। उसके बाद क्या करेंगे, ये फाइव का स्केयर जो हमने खुद से ऐड किया है, इसको इक्वेशन की दूसरी साइड पर भी ऐड करेंगे। यहाँ पर 39 प्लस करना है ऐड हमने इसमें फाइव का स्केयर। तो यहाँ पे ये मेरे पास पूरे का पूरा जो है एक फार्मूला बन गया, ए स्क्वेयर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वेयर, ये बन गया ए माइनस बी इस होल का स्क्वेयर इक्वल्स 39 एज इट इज प्लस फाइव का स्क्वेयर 25 एक्स माइनस फाइव होल स्क्वेयर इक्वल्स 39 प्लस 25 इक्वल्स 64 एक्स माइनस फाइव का होल स्क्वायर इक्वल्स आ गया 64 के। अब हमने यहां से x की वैल्यूज निकालनी है, x की वैल्यूज निकालने के लिए या x की वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए यहां पे पहले स्क्वायर आ रहा है। अब इसको स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम लेते हैं स्क्वायर रूट बाय टेकिंग स्क्वायर रूट, वी हैव x माइनस फाइव इसका होल का स्क्वेयर, इसका स्क्वेयर रूट इक्वल 64 का स्क्वेयर रूट। यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज कैसे आ जाएंगी, ये स्क्वेयर स्क्वेयर रूट से कट गया, इधर आ गया x माइनस फाइव और 64 का स्क्वेयर रूट प्लस माइनस 8। इट मीन्स x माइनस फाइव इधर इक्वल्स टू 8 और x माइनस फाइव इक्वल्स टू नेगेटिव 8। x माइनस फाइव इधर है उधर जाएगा तो 8 प्लस फाइव बन जाएगा x, 8 प्लस फाइव इक्वल्स 13, x माइनस फाइव इधर उधर जाके पॉजिटिव 5 माइनस 8 पॉजिटिव 5 इक्वल्स माइनस 3, x की वैल्यू आ गई माइनस 3। अब वन बाय वन हम इसको सॉल्व करके देखेंगे कि क्या हमारे पास ये जो वैल्यू है इस इक्वेशन में सॉल्व करने से हमें ये सही एग्जैक्ट आंसर देती है। तो चेक करते हैं जी, हमारे पास इक्वेशन है जी एक्स स्क्वेयर माइनस टेन एक्स माइनस 39 इक्वल्स 0। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं 13, तो यहाँ पे एक्स 13 का स्क्वेयर माइनस 10 इंटू 13 माइनस 39 इक्वल 0, 13 स्क्वेयर इज इक्वल टू 169 माइनस 130 माइनस 39 इक्वल 0, 169 माइनस 130 इक्वल्स 39 एंड माइनस 39 इक्वल 0। यहाँ पे हमारे पास 39 माइनस 39 इक्वल 0 इक्वल 0, इट मींस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नाउ एक्स स्क्वेयर माइनस 10x माइनस 39 इक्वल 0, अब हम पुट करेंगे x इक्वल्स माइनस 3, माइनस थ्री का स्क्वेयर माइनस 10 इंटू माइनस 3 माइनस 39 इक्वल 0, माइनस थ्री स्क्वेयर इक्वल्स 9 माइनस माइनस प्लस 10 थ्री ज़ा 30 माइनस 39 इक्वल 0,
थर्टी प्लस नाइन इक्वल्स थर्टी नाइन माइनस थर्टी नाइन इक्वल जीरो, ये प्लस है और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, जीरो इक्वल जीरो, इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। दोनों जो हमारे पास वैल्यूज आई हैं इन्होंने हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई किया है, इट मीन सॉल्यूशन सेट में वैल्यूज जो इंक्लूड होंगी वो हैं थर्टीन एंड माइनस। ये वो मेथड है जिसके जरिए से हम बाय कंप्लीटिंग स्क्वेयर मेथड को यूज करते हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। अब हम देखेंगे कि क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज करते हुए हम किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। उसको समझने के लिए हमें पहले देखना होगा कि जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंग जो क्वाड्रेटिक फार्मूला वो क्या है। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो एंड द क्वाड्रेटिक फार्मूला इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ओवर टू ए। अब इस फार्मूला में ए बी सी जो है वो जनरल फॉर्म में जो ए बी और सी हमारे पास कोफिशेंट्स ऑफ वेरिएबल होते हैं वो वैल्यूज हैं। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो सॉल्यूशंस निकलेंगे उसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है। इसमें जो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अगर आपका बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का आंसर ग्रेटर देन जीरो होगा तो आपके पास टू रियल सॉल्यूशंस आएंगे। आप इनको सॉल्यूशंस भी बोल सकते हैं, आप इनको टू रियल रूट्स भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू होगा जीरो के, देन वन रियल सॉल्यूशन आएगा या वन रियल रूट आएगा। और वन रियल रूट अगर आपके पास बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो होगा तो हमारे पास कोई भी रियल सॉल्यूशन नहीं आएगा। और नो रियल रूट। हमारे पास एक एग्जांपल है सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स माइनस थ्री इक्वल जीरो। इसके अकॉर्डिंग हमारी जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो। तो यहाँ पे ए इज इक्वल टू सिक्स, बी इक्वल्स नेगेटिव सेवन, सी इक्वल्स नेगेटिव थ्री। यहाँ से हमारे पास वैल्यूज आ जाती हैं ए इक्वल्स सिक्स, बी इक्वल्स नेगेटिव सेवन एंड सी इक्वल्स नेगेटिव थ्री। बाई यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास फार्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पे आएंगी x की वैल्यूज जो कि आएगी माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ओवर टू ए है फार्मूला। अब हमें पहले बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी फाइंड करना है ताकि हमें पता चले कितने स्क्वायर जो हैं रूट्स आएंगे। तो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल्स बी स्क्वायर, बी स्क्वायर इज नेगेटिव सेवन स्क्वायर माइनस फोर ए इज सिक्स एंड सी इज माइनस थ्री। द आंसर विल बी 49 एंड प्लस सिक्स फोर जर 24, 24 थ्री जर 72। इन दोनों को हम ऐड अप करते हैं तो आंसर आता है 121, दैट इज ग्रेटर देन जीरो। सो टू रियल रूट्स विल बी इन द आंसर। सो
अब इसको हम सॉल्व करते हैं, माइनस बी माइनस माइनस बी की वैल्यू है हमारे पास माइनस सेवन प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी माइनस सेवन स्क्वेयर प्लस माइनस फोर सिक्स एंड माइनस थ्री ओवर टू ए इज इक्वल टू सिक्स, माइनस माइनस प्लस सेवन प्लस माइनस स्क्वेयर रूट इसका आंसर आया था 121 ओवर टू सिक्स आर 12। प्लस सेवन स्क्वेयर रूट ऑफ 121 इज इक्वल टू 11 प्लस माइनस 11 डिवाइडेड बाय 12। या तो x हमारे पास होगा इक्वल प्लस सेवन प्लस 11 डिवाइडेड बाय 12 के, या होगा x हमारे पास इक्वल प्लस सेवन माइनस 11 बाय 12 के। प्लस सेवन प्लस 11 इक्वल्स 18 ओवर 12। अगर हम इसको 2 पे डिवाइड करते हैं तो 2 नाइन आर 18 एंड 2 सिक्स आर 12, 2 सिक्स आर 12 एंड 2 नाइन आर 18, 3 टू आर 6 एंड 3 थ्री आर 9। तो आंसर है हमारा यहाँ पे 3 बाय 2 एक्स की वैल्यू। यहाँ पे है एक्स प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का, 11 माइनस सेवन इक्वल्स 4 ओवर 12, 4 वन आर 4 एंड 4 थ्री आर 12, माइनस 1 ओवर 3 एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 3। हमारे पास x की वैल्यू आ गई है एक 3 ओवर 2, एक है हमारे पास माइनस 1 ओवर 3। अब इसको अगर हम इक्वेशन जो है हमारे पास 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इक्वल 0 में 1 बाय 1 पुट करें, 6x स्क्वायर माइनस माइनस 7x माइनस 3 पहले हम पुट करते हैं, x इक्वल्स 3 बाय 2। x इक्वल्स 3 बाय पुट करने से हमारे पास क्या आंसर आता है, 6 इंटू 3 बाय 2 स्क्वेयर माइनस 7 इंटू 3 बाय 2 माइनस 3 इक्वल 0, 6 इंटू 3 स्क्वेयर 9 ओवर 2 स्क्वेयर 4 माइनस 7 3 जर 21 बाय 2 माइनस 3 इक्वल 0, 2 3 जर 6 2 2 जर 4 3 इंटू 9 बाय 2 माइनस 21 बाय 2 माइनस 3 इक्वल 0। यहाँ पे ऐसे 3 को 9 से मल्टीप्लाई किया, 27 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 21 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3 इक्वल 0, 27 माइनस 21 इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3 इक्वल 0, 2 3 आर 6 3 माइनस 3 इक्वल 0। द आंसर विल बी 0 इक्वल 0 एज प्लस माइनस 3 इक्वल्स 0। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड, इट मीन्स एक्स की वैल्यू 3 ओवर 2 जो है सॉल्यूशन सेट का पार्ट है। नाउ वी विल पुट इन दिस इक्वेशन 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इक्वल 0। नाउ x विल बी माइनस 1 ओवर 3, 6 माइनस 1 ओवर 3 स्क्वेयर माइनस 7 इंटू माइनस 1 ओवर 3 माइनस 3 इक्वल 0, 6 1 स्क्वेयर 1 एंड 3 स्क्वेयर 9 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 7 ओवर 3 माइनस 3 इक्वल 0, 6 1 जार 6 इधर आ जाएगा, 3 2 जार 6 3 3 जार 9 टू वन जार 2 ओवर 3 प्लस 7 ओवर 3 माइनस 3 इक्वल 0। डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर वालों को हम ऐड कर देंगे, 9 ओवर 3 माइनस 3 इक्वल 0, 3 3 जार 9 3 माइनस 3 इक्वल 0, इट मीन्स प्लस माइनस 3 0 इक्वल 0, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड, सो x equals negative 1 over 3 is also the part of the solution set. So, हमारे पास जो solution set बनता है that is three over 2 and minus 1 over 3.
ये वो मेथड है जिसके ज़रिए से हम क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ करते हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। अब हम ये देखेंगे कि हम किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ग्राफ जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। ग्राफ्स को ड्रॉ करने के लिए हमें पता है कि हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी जो जनरल फॉर्म है वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स ज़ीरो। यहाँ पे ए बी और सी जो हैं ये कोफिशिएंट्स हैं। वेरिएबल एक्स के अब यहाँ पे जो ग्राफ होता है इसका वो ग्राफ हम किस तरीके से बनाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें ये देखना है कि ए बी और सी जो हैं वो कोफिशिएंट्स जो हैं हमारे पास, अगर ए बी और सी की वैल्यूज़ हम चेंज करें तो इस जनरल फॉर्म पे क्या असर होगा। सबसे पहली कंडीशन ये है कि आपका ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो, बी और सी कोई भी वैल्यू हो सकते हैं फ्रॉम ज़ीरो टू एनीवन। क्यों, रीज़न वाई, वाई ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो, रीज़न इज़ दिस, इफ़ इन द जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल ज़ीरो कर देते हैं और ए अगर ज़ीरो कर दिया तो इट मीन्स ज़ीरो एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल ज़ीरो, और ज़ीरो जब किसी भी चीज़ के साथ किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है तो ख़ुद ज़ीरो होने की वजह से उसको भी ज़ीरो कर देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा ज़ीरो प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल ज़ीरो, तो यहाँ पे ये बी एक्स प्लस सी इक्वल ज़ीरो होने की वजह से ये तो लीनियर इक्वेशन बना देगा। तो जब लीनियर इक्वेशन बन जाएगी तो इसका ग्राफ तो लाइन बनेगा, लाइन ग्राफ बन जाएगा इसका, तो हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए ए जो है हमारा नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। बी और सी इक्वल हो जाए वो मैटर नहीं करते, क्योंकि बी और सी जो हैं वो उनके ज़ीरो होने से हमारे पास हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिर भी टू ही रहेगी। बी ज़ीरो हो जाए एक्स ज़ीरो हो जाएगा कोई इशू नहीं है, सी ज़ीरो हो जाए कांस्टेंट ज़ीरो हो जाएगा कोई इशू नहीं है, लेकिन हमारे पास ए जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। सेकंड थिंग, इसका ग्राफ अगर लाइन में नहीं होगा तो क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ यू टाइप होता है, अपवर्ड और डाउनवर्ड, ये दो सूरतों में हो सकता है, अपवर्ड हो सकता है या डाउनवर्ड हो सकता है। इस ग्राफ को बोलते हैं पैराबोला, पी ए आर ए बी ओ एल ए, पैराबोला। ग्राफ यू टाइप होता है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, और ये ग्राफ जो होता है या तो अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा, इसको हम बोलते हैं पैराबोला। अब ग्राफ जो है इसके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो कि आपको समझना ज़रूरी है और उन्हीं को आप यूज़ करते हुए ग्राफ बना सकते हैं। तो फाइव इम्पॉर्टेंट स्टेप्स टू ड्रॉ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ग्राफ क्या हैं जी, फाइव इंपॉर्टेंट स्टेप्स टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब वो कौन कौन से स्टेप्स हैं, सबसे पहला स्टेप चेक आउट द साइन ऑफ ए इन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल ज़ीरो। फर्स्ट जो आपका टास्क है वो ये है कि आपने जो ए का साइन है जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन में
इन शॉर्ट कि जो आपका एक्स स्क्वायर वेरिएबल का कोफिशेंट है उसका साइन आपने चेक करना है। सेकंड स्टेप है जी आपका चेक आउट वेदर द ग्राफ कट्स और टचेस एक्स एक्सिस और नॉट। आपने चेक करना है कि जो आपका ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है या उसको टच कर रहा है या नहीं टच कर रहा। एंड द थर्ड थिंग और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चेक आउट द वर्टेक्स और कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या है हम ये भी डिस्कस करेंगे। फोर्थ वन चेक आउट वेदर द ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट द पॉइंट ऑफ एक्स इन द वर्टेक्स और नॉट। अब वर्टेक्स जो है इसके दो पॉइंट है ना, एक एक्स और वाई पॉइंट, इसमें आपने चेक करना है वेदर द ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट द पॉइंट ऑफ एक्स इन द वर्टेक्स इन द कोऑर्डिनेट पेयर ऑफ वर्टेक्स। एंड द फिफ्थ इंपॉर्टेंट स्टेप इज वेयर द ग्राफ कट्स और टचेस द वाई एक्सिस। चेक करना है वेयर द ग्राफ कट्स द वाई एक्सिस। ये फाइव इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं टू ड्रा द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले आपने साइन चेक करना है साइन ऑफ ए। सेकंड आपने देखना है कि ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है ये कट कर रहा है या नहीं। उसके बाद आपने कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स चेक करने हैं। उसके बाद आपने चेक करना है कि ये जो ग्राफ है वो सिमेट्रिक है अबाउट द पॉइंट एक्स जो कि कोऑर्डिनेट पेयर वर्टेक्स के एक्स के आपका सिमेट्रिक है या नहीं। और पाँचवा क्या है आपने चेक करना है कि ये वाई एक्सिस को कहाँ पे काट रहा है। अब इन स्टेप्स को हम वन बाय वन जो है डिस्कस करते हैं। सबसे पहला स्टेप साइन ऑफ ए। हमारे पास जनरल इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो। अब ए का साइन चेक करने का मतलब यह है कि या तो ए ग्रेटर देन जीरो हो सकता है या आपका लेस देन जीरो हो सकता है। लेकिन ए हमने पहले कह दिया नॉट इक्वल टू जीरो हो सकता है क्योंकि तीन ही पॉसिबिलिटीज होती है ना, या तो एक चीज़ ग्रेटर देन जीरो है या लेस देन जीरो है या इक्वल टू जीरो है। हमने एक कंडीशन को तो पहले ही कह दिया है कि ए नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अब बाकी रह गई दो कंडीशंस ग्रेटर देन जीरो और लेस देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो होगा तो इसका मतलब है ए के साथ साइन पॉजिटिव होगा, इसका मतलब ए पॉजिटिव होगा। अगर पॉजिटिव ए होगा तो पैराबोला ओपन अपवर्ड होगा, ओपन अपवर्ड। और अगर ए लेस देन जीरो होगा इट मींस नेगेटिव ए होगा, ए के साथ नेगेटिव साइन होगा तो पैराबोला ओपन डाउनवर्ड होगा। ये है आपके पास ए ग्रेटर देन जीरो पॉजिटिव साइन वाला, ए लेस देन जीरो नेगेटिव साइन वाला, और इसका जो ग्राफ है वो ओपन डाउनवर्ड होगा। फर्स्ट स्टेप
आपका कंप्लीट हो गया। अब हम इसकी एक एग्जांपल जो है साथ साथ चेक करते हैं, ताकि हमें पता चले कि ये ग्राफ जो है किस तरीके से बनता है। एग्जांपल है जी हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स इक्वल ज़ीरो। अब इसमें हमारे पास ए इज इक्वल टू वन, बी इक्वल्स फाइव एंड सी इक्वल सिक्स। अब ए इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो मीन्स ए हमारे पास है पॉजिटिव वन, सो आवर ग्राफ विल बी ओपन अपवर्ड पैराबोला। ग्राफ विल बी ओपन अपवर्ड। सेकेंड कंडीशन है जी, हमने ये चेक करना है वेदर द ग्राफ ग्राफ कट और टचेज एक्स एक्सिस। इसको हमने चेक करना है, उसके लिए हमारे पास एक डिस्क्रिमिनेंट होता है। डिस्क्रिमिनेंट जिसको डी से अगर हम डिनोट करें तो ये हमारे पास होता है इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी के। हमने ये पढ़ा कि अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन ज़ीरो होगा तो हमारे पास टू रियल सॉल्यूशंस होंगे। अगर आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है इक्वल टू ज़ीरो होगा तो आपके पास जो होगा वन रियल सॉल्यूशन होगा। अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन ज़ीरो होगा तो इट मींस नो रियल सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है विद रिस्पेक्ट टू द ग्राफ दैट कट्स और टचेस एक्स एक्सिस? इसका मतलब ये है अगर आपका डी डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन ज़ीरो होगा और इसके सॉल्यूशन सेट में दो वैल्यूज आएंगी, इसका मतलब ये है कि ग्राफ जो होगा पैराबोला चाहे वो ओपन अपवर्ड हो या ओपन डाउनवर्ड हो, ग्राफ आपका एक्स एक्सिस को, अगर टू रियल सॉल्यूशंस हैं तो एक्स एक्सिस को दो पॉइंट्स पे टच करेगा। अब इसमें देखें तो अगर मैं इसको एक्स एक्सिस कह दूं तो यहाँ पे एक पॉइंट ये है जहाँ पे टच कर रहे हैं और एक पॉइंट ये है, इट मींस इसके दो रियल सॉल्यूशंस हैं। इसी तरीके से अगर मैं इधर एक्स एक्सिस ड्रॉ कर दूं तो यहाँ पे ये एक पॉइंट है और एक ये पॉइंट है जहाँ पे एक्स एक्सिस को ये टच कर रहा है। अगर आपका डी डिस्क्रिमिनेंट जो है इक्वल्स टू ज़ीरो होगा तो हम कहते हैं कि वन रियल सॉल्यूशन होगा, वन रियल सॉल्यूशन विल एग्जिस्ट। वन रियल सॉल्यूशन का मतलब ये है अगर ग्राफ ओपन अपवर्ड है या ओपन डाउनवर्ड है तो आपका पैराबोला जो है अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू ज़ीरो होगा तो ग्राफ इसको जस्ट एक पॉइंट पे ही टच करेगा, ये वाला पॉइंट यहाँ पे सिंगल पॉइंट पे टच करेगा। और इसी तरीके से ग्राफ आपका जस्ट एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे टच करेगा। इसके बाद डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन ज़ीरो होगा डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन ज़ीरो होगा इसका मतलब ये है कि आपका नो रियल सॉल्यूशन, इट मींस आपका पैराबोला जो होगा वो ओपन अपवर्ड हो या ओपन डाउनवर्ड होगा तो आपका ग्राफ जो होगा वो किसी भी सूरत में एक्स एक्सिस को कट या टच नहीं करेगा।
वो एक्स एक्सिस से थोड़ा दूर रहेगा। ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को टच करेगा या नहीं। उसके लिए तीन डिफरेंट कंडीशन जो हैं वो मैंने आपसे डिस्कस कर ली है। नेक्स्ट हमने चेक करना है कोऑर्डिनेट पेयर ऑफ वर्टेक्स। कोऑर्डिनेट पेयर ऑफ वर्टेक्स जो हमने फाइंड करने, वर्टेक्स क्या है हमें उसके लिए सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि वर्टेक्स क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्टेक्स क्या है, उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट पेयर। आपके पास पैराबोला है, चाहे वो ओपन अपवर्ड है या ओपन डाउनवर्ड है। अगर आप देखें तो ये जो ग्राफ है वो नीचे से स्टार्ट होके एक पॉइंट तक ऊपर जाता है। लेट्स सपोज ये वो पॉइंट है जहाँ पे ऊपर जाने के बाद ये नीचे जाना शुरू हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से ये ग्राफ है, ये स्टार्ट होता है ऊपर से, एक पॉइंट तक नीचे जाता है, फिर उस पॉइंट से ये यहाँ पे नीचे वाला एंड पॉइंट है, वहाँ से ये ऊपर आना स्टार्ट हो जाता है। तो वो पॉइंट जो आपका ओपन डाउनवर्ड पैराबोला में फुल हाइट पे होगा, पॉइंट पीक पॉइंट, वो वर्टेक्स होगा। और अगर आपका पैराबोला ओपन अपवर्ड है तो जो आपका पॉइंट यहाँ पे पीक लोएस्ट पॉइंट होगा वो वर्टेक्स होगा, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं टॉप मोस्ट वर्टेक्स। क्या है जी हमारा टॉप मोस्ट वैल्यू इन द ओपन डाउनवर्ड पैराबोला। और डाउन मोस्ट वैल्यू इन द ओपन अपवर्ड पैराबोला। इसके वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट पेयर हैं, वर्टेक्स इसके कोऑर्डिनेट पेयर एक्स और वाई जो हैं, वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट पेयर एक्स और वाई हैं, एक्स की वैल्यू के लिए है माइनस बी ओवर टू ए के, और वाई की वैल्यू है इक्वल है माइनस डी ओवर फोर। एक्स इज इक्वल टू माइनस बी ओवर टू है, एंड y इज इक्वल टू माइनस डी ओवर फोर है। उसके बाद है जी हमने चेक करना है ग्राफ इज सिमेट्रिक। ग्राफ इज सिमेट्रिक एट x equals minus b over 2a के। minus b over 2a क्या है आपका x कोऑर्डिनेट ये है आपका x कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स। इसका मतलब ये है कि सिमेट्री होने का मतलब ये है कि अगर आप एक ग्राफ बनाएं या एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, इसको अगर दरमियान से कट कर दें बिल्कुल एग्जैक्ट दरमियान से, तो ये वाली शेप बिल्कुल इस शेप के इक्वल होती है, ठीक है। तो वर्टेक्स की सिमेट्री का क्या मतलब है कि अगर हमारा ये पैराबोला है
तो ये वर्टेक्स जो है उसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पेयर जो है, इसमें जो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट है उस कोऑर्डिनेट पे अगर हम ऐसे लाइन लगा दें तो इसके दोनों पार्ट्स ए और बी पार्ट्स ऑफ द ग्राफ दोनों सिमेट्रिक होंगे, मतलब दोनों इक्वल होंगे। तो ये हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, ये हमें माइनस बी ओवर टू ए करके पता लगेगा। माइनस बी ओवर टू ए कैसे हम करेंगे, जो हमारे पास इसके जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंग बी और ए की वैल्यू आएगी हम इस फार्मूला में लगाएंगे तो हमें वर्टेक्स के एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, जिससे हमें पता चलेगा जो पैराबोला है वो कोऑर्डिनेट एक्स के अकॉर्डिंग एक सिमेट्रिक पोजीशन में है। लास्ट स्टेप है, आपने ये देखना है कि ये जो ग्राफ है ये वाई एक्सिस को किस पॉइंट पे टच करता है, वेयर द ग्राफ टचेज वाई एक्सिस। उसके लिए क्या करना है, आपके पास जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो। आपने इस इक्वेशन में आपने एक्स को जीरो पुट कर देना है। अब अगर मैं इसको जीरो की बजाय वाई के इक्वल कर दूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो एक्स की वैल्यू जीरो पुट करने से हमारे पास क्या आता है, वाई इक्वल्स ए इंटू जीरो स्क्वायर प्लस बी इंटू जीरो प्लस सी। ये वाली वैल्यू भी जीरो होगी, ये वाली वैल्यू भी जीरो होगी, वाई इक्वल जीरो प्लस जीरो प्लस सी। इसका मतलब ये है कि वाई आपका जो होगा वो कांस्टेंट वैल्यू के इक्वल होगा। सो कांस्टेंट वैल्यू जहाँ पे ग्राफ में आएगी वो होगी हमारे पास जहाँ पे जो ग्राफ है वो वाई एक्सिस को टच करेगा, और वहाँ पे जब हमारे पास एक्स की वैल्यू जीरो कर दी, इट मीन्स एक्स एक्सिस जीरो, तो एक्स की वैल्यू जीरो, तो हमारे पास ये जो कांस्टेंट वैल्यू आएगी जीरो इंटू सी, तो ये सी मीन्स कांस्टेंट वैल्यू, तो यहाँ पे ये कांस्टेंट वैल्यू जो होगी और उसके साथ जीरो का पेयर बना देंगे तो ये वो पॉइंट होगा जहाँ पे ग्राफ जो है वाई एक्सिस को टच करेगा। हमने चारों पांच हमने ये पांच पॉइंट जो हैं वो पांच इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो हैं वो डिस्कस कर लिए हैं। अब हम एक इक्वेशन को एग्जांपल के तौर पे, अब हम इन स्टेप्स को इस इक्वेशन की, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वेयर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स इक्वल जीरो, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करने के लिए हम पांच इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो हम डिस्कस कर चुके हैं उनको यूज़ करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, ए की वैल्यू फाइंड करनी है बी की और सी की। ए की वैल्यू है मेरे पास, क्योंकि इसका जो कॉफिशेंट है वो वन है, और बी की वैल्यू आ गई फाइव, सी की वैल्यू इज इक्वल टू सिक्स। सबसे पहले हमने देखना है कि साइन कौन सा है ए का। ए इज इक्वल टू वन मीन्स ए ग्रेटर देन वन, सो द साइन ऑफ ए इज पॉजिटिव। पॉजिटिव साइन होगा तो पैराबोला ओपन अपवर्ड होगा, ओपन अपवर्ड आ गया। उसके बाद ये आ गया जी हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है, हमने चेक करना है कि ये एक्स एक्सिस को कहाँ पे टच करता है। उसके लिए हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, डी इक्वल्स बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी। अब बी की वैल्यू है हमारे पास फाइव एंड सिक्स है सी की और ए की वन। यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, फाइव स्क्वेयर माइनस फोर ए एंड सी इक्वल्स सिक्स। यहाँ पे आंसर क्या आ गया, फाइव का स्क्वेयर 25 माइनस सिक्स फोर जार 24, स्क्वेयर रूट वन आ गया आंसर, और इसका आंसर आता है वन। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स वन, इट मीन्स डी इज ग्रेटर देन जीरो, सो हमारे पास टू रियल सॉल्यूशंस आएंगे। यानी कि दो पॉइंट्स पे ये एक्स एक्सिस को टच करेगा। थर्ड स्टेप हमने देखना है जी,
कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स। ए इक्वल्स 1 है, बी इक्वल्स 5 है एंड सी इक्वल्स 6 है। तो यहाँ पे एक्स और वाई किसके इक्वल आता है हमारे पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स में, माइनस बी ओवर 2a एंड माइनस डी ओवर 4a। डी की वैल्यू हमारे पास आ गई है 1, जो हमने अभी फाइंड आउट किया है। वैल्यूज पुट करते हैं, यहाँ पे आ गई मेरे पास माइनस 5 ओवर 2a इज 1, माइनस डी इज 1 ओवर 4 इंटू 1। तो मेरे पास वर्टेक्स आ गए इसके माइनस 5 बाय 2, माइनस 5 बाय 2 एंड माइनस 1 ओवर 4। अगर मैं इनको डिवाइड कर लूं, यहाँ पे इसका आंसर आ जाता है माइनस 2.5 एंड 0.25, माइनस के साथ 0.25। ये है आपका कोऑर्डिनेट पेयर ऑफ वर्टेक्स। इसके बाद हमने चेक करना है कि ये सिमेट्री है इस पे। तो सिमेट्री चेक करने के लिए हमने, चूंकि इसको सिमेट्री चेक करना है, मेट्रिक एट एक्स इक्वल्स माइनस 2.5 इस पे चेक करना है सिमेट्री। वो तो जब हम ग्राफ बनाएंगे फिर चेक करेंगे। एंड लास्ट वाई एक्सिस पे ये किस पॉइंट पे टच कर रहा है, उसके लिए अगर मैं वाई इक्वल्स कर दूं, अगर मैं वाई इक्वल्स कर दूं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6k, तो x की वैल्यू अगर 0 पुट कर दें तो मेरे पास y इक्वल्स 0 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 0 प्लस 6। तो ये आ गया मेरे पास 0 प्लस 0 प्लस 6, तो y इक्वल्स 6। अगर 0 की x की वैल्यू 0 हो तो y की वैल्यू 6 आती है। तो मेरे पास एक्स वाई कोऑर्डिनेट पेयर बनता है 0 एंड 6। ये वो पॉइंट होगा जहाँ पे एक्स एक्सिस 0 होने के बाद ये वाई एक्सिस को टच करके गुजरेगा हमारा पैराबोला। अब हम ड्रा करते हैं। तो पैराबोला ड्रा करने के लिए हम पहले एक कोऑर्डिनेट प्लेन बनाते हैं। कोऑर्डिनेट प्लेन के लिए हेयर इज एक्स एक्सिस, ये है हमारा एक्स एक्सिस, y एक्सिस, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन, नेगेटिव 1, नेगेटिव 2, नेगेटिव 3, नेगेटिव 4, नेगेटिव 5, नेगेटिव 6, नेगेटिव 7, नेगेटिव 8, नेगेटिव 9 एंड नेगेटिव 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, नेगेटिव 1, नेगेटिव 2, नेगेटिव 3, नेगेटिव 4, नेगेटिव 5, नेगेटिव 6, नेगेटिव 7, नेगेटिव 8 एंड नेगेटिव 9। अब देखें जी, इसमें हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। हमें ये पता लग गया सबसे पहले कि ओपन अपवर्ड होगा, पॉजिटिव साइन था। उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट आ गया ग्रेटर देन 0, इसका मतलब दो पॉइंट्स होंगे जिन पे ये एक्स एक्सिस को टच करेगा। इसके बाद कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स जो हैं वो आए हैं 2.5 एंड माइनस 0.5। इसका मतलब x एक्सिस होगा 2.5,
एक्स एक्सिस पे 2.5, इट मींस ये 2.5 इधर आएगा और नेगेटिव 0.5 होगा वाई एक्सिस पे। नेगेटिव का 0.5 2.25 है तो नेगेटिव का 0.25 आता है इधर। इन दोनों को अगर मैं यहां तक लेके आऊं तो ये वो पॉइंट बनता है, इट मींस के ये वाला पॉइंट जो होगा आपका वर्टेक्स आपका यहां आएगा। अब यहां पे वर्टेक्स आएगा, इट मींस जो ग्राफ बनेगा तो यहां से अगर हम स्टार्ट करें, ये पीक पॉइंट होगा तो इस इधर से हम स्टार्ट करते हैं ऐसे, और ये यहां से 6 से गुजरेगा क्योंकि यहां पे ये वाई एक्सिस का जो क्वाड्रेंट पेयर है वो 0 और 6 है। इट मींस ये यहां से गुजरेगा 6 से, तो ये वाला 6 तो यहां से हम ऊपर ले जाते हैं और इस तरीके से ये गुजर जाएगा। अब मेरे पास क्योंकि एग्जैक्ट इसकी जो इंटरवल नहीं है तो ये कुछ वी टाइप बना है, आपका ग्राफ एग्जैक्ट इस पोजीशन का बनेगा जब आप सेम इंटरवल के साथ बनाएंगे। अब यहाँ पे सिमेट्री होने का मतलब, अब ये यहाँ पे आ गया 0 और 6, यानी कि ये वाई एक्सिस को इस पॉइंट पे टच कर रहा है और एक्स एक्सिस को ये इन दो पॉइंट्स पे टच कर रहा है, क्योंकि दो सॉल्यूशंस का बोला था और सिमेट्री चेक करनी है तो इसकी 0.25 पे सिमेट्री होगी। इट मींस ये 0.25 है यहाँ पे, तो अगर मैं ये लाइन ऐसे सीधी बना दूँ तो ये 0.25 जो है 0.25 नेगेटिव के साथ यहाँ पे ये सिमेट्री है जो कि एक्स की वैल्यू है वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट पेयर में। तो ये है आपका ग्राफ जिसमें ए पॉजिटिव हो गया, डी ग्रेटर देन 1 हो गया, डी ग्रेटर देन 0 हो गया, दो सॉल्यूशंस आ गए, सिमेट्री हो गया वर्टेक्स के एक्स पे, और उसके बाद आपका जो पॉइंट है ग्राफ है वो एक्स पे एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पे टच कर गया और वाई एक्सिस को 0 और 6 पे टच कर गया है, और वर्टेक्स जो है आपके उसके कोऑर्डिनेट जो है -2.5 है, वर्टेक्स जो है आपका -2.5 है 2.5 और माइनस है हमारा 0.25 -2.5 पे ये सिमेट्री है, -2.5 पे ये सिमेट्री है। तो ये है आपका पैराबोला जो कि हमारी रिक्वायर्ड कंडीशंस के अकॉर्डिंग, जो कि हमारी ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x + 6 = 0, इसका ये ग्राफ। इन स्टेप्स को फॉलो करके आप इजीली पैराबोला जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि रैशनल एक्सप्रेशन क्या होता है। रैशनल एक्सप्रेशन को डिस्कस करने से पहले हम फ्रैक्शन को देखते हैं। फ्रैक्शन क्या होती है? फ्रैक्शन रिप्रेजेंट द पार्ट ऑफ होल ऑब्जेक्ट, अ पार्ट ऑफ होल ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल 5 out of 10 लिखा है, इट मींस ये कहता है कि फिफ्थ पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट आउट ऑफ 10 parts, और इसमें 5 जो है वो न्यूमिरेटर है। फ्रैक्शनल लाइन के नीचे जो 10 डिजिट लिखा हुआ है दैट इज डिनोमिनेटर। ये होगी फ्रैक्शन। इसके बाद रैशनल नंबर्स हमने पढ़े हैं। रैशनल नंबर्स को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं और ये A ओवर B की फॉर्म में होते हैं जो कि फ्रैक्शनल फॉर्म है, जिसमें A और B रिप्रेजेंट किए जाते हैं और बिलोंग करते हैं इंटीजर से और B नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, अब रैशनल एक्सप्रेशन क्या चीज़ है? रैशनल मतलब हो गया आपका कोई भी फ्रैक्शनल फॉर्म में नंबर। फ्रैक्शन हमने देख ली क्या होता है,
तो रैशनल एक्सप्रेशन अब देखते हैं क्या होता है। रैशनल एक्सप्रेशन आपके पास, रैशनल एक्सप्रेशंस वो फ्रैक्शंस या फ्रैक्शनल फॉर्म में वो नंबर्स जिनमें न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर की जगह पे नंबर्स की बजाय आपके पास पॉलिनोमियल्स होते हैं या अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं। तो रैशनल एक्सप्रेशन की डेफिनेशन है, रैशनल एक्सप्रेशन इज अ फ्रैक्शन इन विच बोथ द न्यूमिरेटर एंड द डिनोमिनेटर आर पॉलिनोमियल्स, या हम इनको अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस भी बोल सकते हैं। अब पॉलिनोमियल्स या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं? ऐसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स जिनमें वेरिएबल्स हों, कोफिशिएंट्स हों, कॉन्स्टेंट्स हों, ये आपकी ये अलहदा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये अलहदा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और ये दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर की जगह पे रह के आपके पास जब फ्रैक्शन बनाएंगे तो इस फ्रैक्शन को हम बोलेंगे रैशनल एक्सप्रेशन। तो ये एक हमारे पास एग्जांपल है रैशनल एक्सप्रेशन की। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है, हम जब पढ़ते हैं रैशनल नंबर्स उसमें कहते हैं कि ए ओवर बी जो है इसमें ए और बी बिलोंग्स करें इंटीजर से, मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है, वन भी हो सकता है, पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी। लेकिन यहाँ पे हम कहते हैं कि बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो, क्यों? क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल ए वन है और बी अगर ज़ीरो हो गया तो ये अनडिफाइंड नंबर हो जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट को अगर हम रैशनल एक्सप्रेशंस पे अप्लाई करें तो यहाँ पे 3x की वैल्यू कोई भी रख दें यहाँ पे, लेकिन ये जो नीचे वाला x है अगर यहाँ पे कोई ऐसा नंबर बताएं जिसकी वजह से ये डिनोमिनेटर जो है वो ज़ीरो हो जाए तो वो नंबर हम यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे। यहाँ पे x आपका नॉट इक्वल टू होगा उस नंबर के। तो अगर यहाँ पे प्लस टू है, अगर हम यहाँ पे x की जगह पे नेगेटिव टू रख देंगे तो नेगेटिव टू पॉजिटिव टू के साथ मिलेगा तो ज़ीरो बना देगा, तो ये तो हमारी अनडिफाइंड रैशनल एक्सप्रेशन हो जाएगी। तो यहाँ पे x नेगेटिव टू के इक्वल नहीं होना चाहिए इस रैशनल एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग। इस रैशनल एक्सप्रेशन में अगर आपका x जो है वो नेगेटिव टू हो जाएगा then this rational expression will be undefined. So हमें इस चीज़ को ज़रूर जहन में रखना है कि जो डिनोमिनेटर में आपका वेरिएबल आ रहा है उसकी कोई ऐसी वैल्यू जो कि आपके डिनोमिनेटर को ज़ीरो में कन्वर्ट कर दे पूरे के पूरे डिनोमिनेटर को, हम वो वैल्यू जो है x की नहीं यूज़ करेंगे। अब हम देखते हैं ऑपरेशंस ऑन रैशनल एक्सप्रेशंस। रैशनल एक्सप्रेशन से हम डिफरेंट ऑपरेशंस जो हैं वो किस तरीके से अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो फोर डिफरेंट ऑपरेशंस हैं वो हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन
एन डिवीजन। अब हम वन बाय वन ऑपरेशंस देखते हैं रैशनल एक्सप्रेशंस पे। सबसे पहले हम देखेंगे एडिशन ऑन रैशनल एक्सप्रेशन। रैशनल एक्सप्रेशन रैशनल एक्सप्रेशन एडिशन का जो ऑपरेटर है उसके अकॉर्डिंग हम एडिशन का जो ऑपरेशन है वो कैसे अप्लाई करते हैं, उसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। एक्स ओवर एक्स स्क्वायर माइनस नाइन प्लस टू एक्स ओवर एक्स प्लस थ्री। अब ये है हमारे पास एक दो रैशनल एक्सप्रेशंस, हमने इनको किस तरीके से ऐड करना है वो हम अब देखेंगे। अब अगर हम जो अलजेब्रा में जो हमारे पास डिफरेंट फार्मूलाज हैं उनको देखें तो a प्लस बी का होल स्केयर जो होता है वो होता है ए स्केयर प्लस टू ए बी प्लस बी स्केयर के, a माइनस बी का होल का स्केयर होता है ए स्केयर माइनस टू ए बी प्लस बी स्केयर के, एंड द थर्ड वन इज ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ये इक्वल होता है a प्लस बी के और ए माइनस बी के। ये तीन फार्मूलाज बेसिक फार्मूलाज हैं जो कि आपको हेल्प आउट करेंगे इन फार्मूलाज को फैक्टराइज करने में। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एक्सप्रेशन में हमारे पास जो न्यूमिरेटर है दैट इज इक्वल टू एक्स, ये एज इट इज आ जाएगा, और नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं एक्स स्क्वायर माइनस नाइन को मैं लिख दूं थ्री स्क्वायर, तो इसका मतलब ये एक्स स्क्वायर माइनस नाइन के इक्वल है बिकॉज थ्री स्क्वायर इज इक्वल टू नाइन प्लस 2x ओवर x प्लस थ्री एज इट इज। नेक्स्ट x एज इट इज ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया जो कि हमारा थर्ड वन वाला फार्मूला है, तो हम इसको एक दफा ओपन करके लिख देंगे प्लस के साथ x प्लस थ्री एंड x माइनस थ्री प्लस 2x ओवर x प्लस थ्री। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब जैसे हम नंबर्स के एलसीएम लेते हैं, लेट्स सपोज यहाँ पे 2 ओवर 4 प्लस 3 ओवर 6 है, तो हम इनका लेते हैं एलसीएम। एलसीएम कैसे लेते हैं, 4 और 6 को इधर रख के 2 2 जार 4 2 3 जार 6 2 1 जार 2 एंड 3 3 1 जार 3, तो इधर क्या आ जाएगा हमारा 2 2 जार 4 एंड 4 3 जार 12 ऐसे आ जाता है। तो हम क्या करते हैं इधर 4 3 जार 12 और 3 2 जार 6 करके 6 2 जार 12 एंड 2 3 जार 6 करके हम लिखते हैं। तो इस तरीके से हम करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास आंसर इनका एलसीएम लेने के लिए। अब यहाँ पे x प्लस 3 और x प्लस 3 ये दो दफ़ा है दोनों डिनोमिनेटर्स में, तो हम इनको वन टाइम कॉमन करके लिख लेंगे x प्लस 3 एंड x माइनस 3 आ जाएगा। अब देखें हम करते क्या हैं, हम ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर है एलसीएम का इसको एज अ डिवाइडेंड रख के, यानी कि x प्लस 3 और x माइनस 3, और इस पे हम डिवाइड कर देते हैं ये जो वैल्यू होती है x प्लस 3 x माइनस 3। अब ये इससे कट जाएगा ये इससे कट जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा 1। फिर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर वाले नंबर के साथ, तो x को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया हमारे पास आंसर आ गया x प्लस। अब सेकंड वाले को डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, x प्लस 3 x माइनस 3 ओवर ये है यहाँ पे x प्लस 3, x प्लस 3 कर देंगे तो ये x प्लस 3 इससे कट जाएगा, आंसर में x माइनस 3 और मल्टीप्लाई में आएगा 2x। ये हमारा एलसीएम लेके आंसर है। उसके बाद अब हम मल्टीप्लाई करते हैं इनको, x को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया x प्लस 2x को x के साथ मल्टीप्लाई किया 2x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 3 जार 6 एंड x डिवाइडेड बाय x प्लस 3 एंड x माइनस 3। इसको हम देखते हैं जी, इधर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें तो 2x स्क्वायर और यहाँ पे माइनस का 6x प्लस का फर्स्ट वाली टर्म जो है x ओवर x प्लस 3
एंड एक्स माइनस थ्री। अगर हम यहाँ पे अब लाइक टर्म्स को देखें तो ये सिक्स एक्स और एक्स है, इन दोनों को अब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, टू एक्स स्क्वायर एज इट इज, माइनस का सिक्स एक्स एंड प्लस का एक्स, प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का, सिक्स में से वन एक्स निकाले, फाइव एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस थ्री एंड एक्स माइनस थ्री। अब हम इसको और सॉल्व करें तो इन दोनों में से हमारे पास क्या कॉमन आ जाता है, एक्स इधर बच जाएगा टू एक्स माइनस फाइव ओवर एक्स प्लस थ्री एंड एक्स माइनस, हमारा आंसर आ गया टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स ओवर एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स माइनस थ्री। अब इसको अगर हम अब और सॉल्व करते हैं तो यही हो जाता है, एक्स को कॉमन लेंगे तो फिर हमारा जो है वैल्यूज जो हैं वो और सिंप्लीफाई हो जाएंगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, दोनों में से एक्स को कॉमन कर लेते हैं, और क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर है इसमें एक्स है, बाकी सारी वैल्यूज एज इट इज आ जाएंगी, टू एक्स माइनस फाइव ओवर एक्स प्लस थ्री एंड एक्स माइनस थ्री, दैट इज आवर आंसर ऑफ एडिशन ऑन रैशनल एक्सप्रेशंस। अब हम देखते हैं कि हम किस तरीके से सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। सब्ट्रैक्शन के लिए मेरे पास यहाँ पे एक एग्जांपल है, x प्लस फोर ओवर x प्लस टू माइनस x प्लस थ्री ओवर x माइनस थ्री। अब दो हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन हैं, इनको हम किस तरीके से सब्ट्रैक्ट करते हैं वो देखते हैं। यहाँ पे सिंपली हम इन दोनों वैल्यूज़ का जो डिनोमिनेटर में उनके एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा एक्स प्लस टू एक्स माइनस थ्री। अब यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे एक्स प्लस टू है ये नहीं, ऊपर वाली वैल्यू के साथ जो नंबर हमारे पास डिनोमिनेटर में नहीं होगा वो मल्टीप्लाई होगा, एक्स माइनस थ्री को एक्स प्लस फोर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स प्लस, अब यहां पे एक्स माइनस थ्री है, एक्स प्लस थ्री को एक्स प्लस टू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास आंसर देखते हैं यहां पे क्या आ जाता है, एक्स को एक्स के साथ किया एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस थ्री एक्स एंड फोर थ्री जार ट्वेल्व प्लस माइनस 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 एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर प्लस का थ्री एक्स प्लस का टू एक्स प्लस सिक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस टू एक्स माइनस थ्री। अब हम इनको सॉल्व करते हैं, इधर आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस का फोर एक्स माइनस का थ्री एक्स प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का प्लस, इधर आ जाएगा एक्स माइनस ट्वेल्व माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 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 थ्री इंटू फाइव एक्स प्लस सिक्स ओवर एक्स प्लस टू एक्स माइनस थ्री। अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ट्वेल्व माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस फाइव एक्स माइनस प्लस माइनस सिक्स ओवर एक्स प्लस टू एक्स माइनस थ्री। इधर अब हम लाइक टर्म्स को एक साथ करेंगे तो ये प्लस एक्स स्क्वायर, ये वाला जो है हमारे पास माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इसके बाद जो हमारे पास एक्स वाली जो लाइक टर्म्स हैं उनको साथ करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा प्लस का एक्स माइनस का फाइव एक्स एंड माइनस ट्वेल्व एंड माइनस सिक्स माइनस ट्वेल्व एंड माइनस सिक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस टू एक्स माइनस थ्री। इसके साथ प्लस का साइन है ये माइनस का साइन है दोनों कट जाएंगे, प्लस फाइव एक्स एंड माइनस फाइव एक्स प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का माइनस का एंड एक्शन विल बी सब्ट्रैक्शन, इधर आ जाएगा मेरे पास फोर एक्स माइनस ट्वेल्व एंड माइनस सिक्स माइनस माइनस प्लस बट साइन जो होगा यहाँ पे माइनस का आएगा, ट्वेल्व और सिक्स जो होंगे इनको हम ऐड करेंगे, ट्वेल्व एंड सिक्स एटीन डिवाइडेड बाय एक्स प्लस टू एंड एक्स माइनस थ्री। ये हमारा आंसर है और इस मेथड के ज़रिए से हम डिफरेंट
पॉलिनोमियल्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब हम ये देखेंगे कि हम किस तरीके से रैशनल एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारे पास दो जो रैशनल एक्सप्रेशंस हैं लाइक 5x² y डिवाइडेड बाय 2x² मल्टीप्लाई बाय 4yz ओवर 3xy। अब ये हमारे पास दो डिफरेंट रैशनल एक्सप्रेशंस हैं, हम इनको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का मेथड ये है कि हम जब दो रैशनल एक्सप्रेशंस मल्टीप्लाई होते हैं तो हम न्यूमिरेटर को न्यूमिरेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। सो 5x² y मल्टीप्लाई बाय 4yz डिवाइडेड बाय 2x² मल्टीप्लाई बाय 3xy। उसके बाद हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन का रूल ये होता है कि कोफिशेंट से कोफिशेंट मल्टीप्लाई होता है, 5 मल्टीप्लाई बाय 4, एंड लाइक टर्म जो होती हैं वो लाइक टर्म के साथ मल्टीप्लाई होती हैं। मींस इसमें और जो वेरिएबल होते हैं वो सेम वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होते हैं। मींस x² y मल्टीप्लाई बाय y एंड z डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, x² मल्टीप्लाई बाय x एंड y। 5 4s are 20, x² एज इट इज, y की पावर 1 एंड y की पावर 1। वी हैव स्टडीड इन प्रोडक्ट लॉ व्हेन टू बेसिस विद डिफरेंट और सेम एक्सपोनेंट्स मल्टीप्लाई ईच अदर देन वी एड द एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल्स। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, y की पावर 1 प्लस 1 ऐड हो जाएगी एंड z एज इट इज ओवर 2 3s are 6 x² प्लस 1 एज बाय यूजिंग प्रोडक्ट लॉ एंड y। यहाँ पे हमारा आंसर क्या बन जाएगा, 20 x² y की पावर 2 एंड z ओवर 6 x³ एंड y। दिस इज द आंसर ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू रैशनल एक्सप्रेशंस। एक और एग्जांपल हम देखते हैं मल्टीप्लीकेशन के हवाले से। हमारे पास है x+2 over x+3 मल्टीप्लाई बाय x+1 over x²-4। अब इनको हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास आ जाता है x+2 over x+3 मल्टीप्लाई बाय x+1 over x² और अगर मैं इसको -2 का स्क्वायर कर दूं और इसको ये x² कर दूं तो यहाँ पे मेरे पास ये a² - b² के अकॉर्डिंग a+b और a-b में ओपन हो जाएगा। सो x+2 over x+3 मल्टीप्लाई बाय x+1 over x+2 and x-2। न्यूमिरेटर को अब न्यूमिरेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x+2 x+1 over x+3 x+2 x-2। अब यहां पे हमारे पास न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर में जो सेम होंगी वैल्यूज वो डिवाइड हो जाएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास जो सेम वैल्यूज होंगी वो कट जाएंगी, x+2 x+2 से कट जाएगा, बाकी हमारे पास क्या बच गया, x+1 over x+3 and x-2। तो ये हमारा आंसर है हम किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं दो रैशनल एक्सप्रेशंस को। अब हम देखेंगे कि डिवीजन ऑफ रैशनल एक्सप्रेशंस किस तरीके से की जाती है। हमारे पास एक एग्जांपल है 4x² - 8x+16 डिवाइडेड बाय 6x² - 24 अपॉन 3x² - 6x+12 डिवाइडेड बाय x² - 7x+10। अगर हम इसको देखें तो हमारे पास ये एक अलहदा रैशनल एक्सप्रेशन है और ये एक अलहदा रैशनल एक्सप्रेशन है। अगर मैं इसको ए से और इसको बी से रिप्रेजेंट करूं तो ये हमारे पास सेम लाइक ए डिवाइडेड बाय बी है।
हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और हम इसको ए डिवाइडेड बाय बी इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो हम फॉर द सेक ऑफ इजी अंडरस्टैंडिंग हम इसको सिंपली इस तरीके से लिख लेते हैं, 4x² - 8x + 16 डिवाइडेड बाय 6x² - 24 डिवाइडेड बाय 3x² - 6x + 12 ओवर x² - 7x + 10। अब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे। अब इसमें 4x² है, 8x है और 16 है। 16 इज इक्वल टू 4 × 4, 8 = 4 × 2 एंड 4 = 4 × 1। तो हम इस ऊपर वाली वैल्यू में से 4 कॉमन ले सकते हैं। इधर आ जाएगा मेरे पास x² - 2x + 4 डिवाइडेड बाय, इधर से 6x² - 24 है तो इधर आ जाएगा मेरे पास 6 कॉमन आ सकता है और इधर आ जाएगा x² - 4 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हमारे पास 3x² - 6x + 12 में से हम 3 को कॉमन कर सकते हैं क्योंकि 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 4s are 12। 3 कॉमन करते हैं तो हमारे पास आ जाता है x² - 2x + 4 डिवाइडेड बाय। अब यहाँ पे x² - 7x + 10 की हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमारे पास आता है 10 का फैक्टर 5 2s are 10 और 5 में अगर 2 को हम ऐड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 7, बट हमें माइनस में चाहिए 7 तो हम क्या करते हैं -5 और -2 करते हैं तो माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस के साथ 7x आ जाएगा और 5 2s are 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास फैक्टर्स बन जाएंगे x² - 5x - 2x + 10। इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे मेरे पास आ जाता है 4 × x² - 2x + 4 ओवर 6 × अब ये x² - 4 है, इसको मैं x² - 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ डिवाइडेड बाय 3x² - 2x + 4 ओवर, इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा तो मेरे पास आ जाएगा x × x - 5, यहाँ से -2 कॉमन आ जाएगा -2 × x यहाँ पे और ये माइनस और ये प्लस माइनस, 2 5s are 10 यहाँ पे आ जाएगा 4 x² - 2x + 4 ओवर 6 × x² - 2² = a² - b² = a + b × a - b, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा x + 2 and x - 2 डिवाइडेड बाय 3 × x² - 2x + 4 ओवर x - 2 and x - 5। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखने वाली है, जो डिवीजन का साइन है जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करते वक्त ये डिवीजन का साइन मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाता है, जैसे 4 × x² - 2x + 4 ओवर 6 × x + 2 x - 2, और जब ये मल्टीप्लिकेशन में चेंज होता है तो उससे नेक्स्ट जो हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन होता है उसका न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर न्यूमिरेटर में चेंज हो जाता है ओवर, इधर आ जाएगा मेरे पास 3 × x² - 2x + 4। अब हम ऊपर वाली वैल्यूज़ को ऊपर वाली वैल्यूज़ के साथ और नीचे वाली वैल्यूज़ को नीचे वाली वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल न्यूमिरेटर को न्यूमिरेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 4 x² - 2x + 4 × x - 2 × x - 5 डिवाइडेड बाय 6 × x + 2 x - 2 and × 3 × x² - 2x + 4। अब यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास जो लाइक टर्म्स हैं वो कट जाएंगे, x² - 2x + 4 x² - 2x + 4 ये वैल्यू इसके साथ कट गई
एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू के साथ कट गया, और बाकी क्या बच गया हमारे पास, फोर इंटू एक्स माइनस फाइव ओवर सिक्स थ्री जार एटीन एंड एक्स प्लस टू। अब हम इसकी और कटिंग कर सकते हैं, टू टू जार फोर, टू नाइन जार एटीन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू ओवर नाइन एक्स माइनस फाइव ओवर एक्स प्लस टू। ये हमारा आंसर है डिवीजन ऑफ रैशनल एक्सप्रेशंस का। आपने इस लेक्चर में ये देखा है अलजेब्रा क्या होता है, अलजेब्रा के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होती है, अलजेब्रिक टर्म्स क्या होती हैं, पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल के बाद लीनियर इक्वेशन क्या होती है, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड्स कौन से हैं, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनाया जाता है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड्स कौन कौन से हैं, और उनके अलावा आपने ये देखा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनाते हैं, इसके अलावा रैशनल एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, और डिफरेंट आपने रैशनल एक्सप्रेशन के साथ डिफरेंट अरिथमेटिक ऑपरेशन जो है उनको अप्लाई करके देखा है। अगर आप चाहते हैं कि आप इस तरीके की मोर इंस्ट्रक्टिव वीडियो जो हैं उनको देख सकें तो कोडेनिक्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, आपको नई आने वाली वीडियोस जो होंगी उनका नोटिफिकेशन मिल सकेगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।